यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या प्रीतम किधर थे? ओके, सो चलिए, कल पेपर हो गया आपके दोस्तों का, है ना? एंड जैसे कि एक एग्जाम में हर एक पेपर टफ नहीं आता है, तो इस बार टैक्स का पेपर टफ नहीं था, है ना? इस बार बच्चों को कॉस्टिंग का थोड़ा ट्रिकी लगा, अकाउंट्स का लेंदी लगा, लेकिन लॉ का पेपर इजी लगा और टैक्स का भी पेपर इजी लगा। तो ये वाला पेपर हम लोग देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। ओके, सीए इंटर मे 2023 का पेपर कल ही मैंने आप लोगों को सेंड भी कर दिया है और मैंने रात को एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया, तो इट वॉज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं लग रहा। तो चलिए लेट अस डिस्कस। अभी ये मेन तो अपने पास जो पेपर का पार्ट अवेलेबल है, दैट इज द पार्ट टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जो कि ऑफिशियली बच्चे घर पे लेके जा सकते हैं, और पार्ट वन जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो उसके अनऑफिशियली कुछ फोटोज आए हैं मेरे पास में, लेकिन अभी एक बार उसके पूरा आ जाता है तो फिर वो पूरे को अपन अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी यू नो दैट 70 मार्क्स का पेपर रहता है, उसका 60% मतलब 42 मार्क्स इनकम टैक्स, और उसका 40% मतलब 28 मार्क्स जीएसटी। अब वो जो इनकम टैक्स के 42 मार्क्स रहते हैं उसका ब्रेकअप कैसा रहता है? जो आपको चार क्वेश्चंस करना रहता है, चार क्वेश्चन नहीं, तीन ही क्वेश्चन करना रहता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है 14 मार्क्स का, एंड इट हैज बीन द पैटर्न सिंस द न्यू कोर्स हैज कम, 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन रहता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये तीन क्वेश्चंस में से आपको कोई दो करना है, और वो क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस रहते हैं एज वी विल सी ऑनवर्ड्स। तो उसमें से आपको तीन में से कोई दो मेजर क्वेश्चंस करना है। ओके, यू कैन नॉट से कि हम सर टू का ए कर लेते, थ्री का बी कर लेते, ऐसा जोड़ी आपको नहीं बनाना है। आपको या तो पूरा टू करना है, पूरा टू एंड पूरा थ्री करना है, फोर छोड़ दो, टू एंड फोर कर लो, थ्री छोड़ दो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर 23-24, जो कि आपके नवंबर एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है, अदरवाइज स्टेटेड, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। और फिर सेक्शन बी रहता है जीएसटी का, जिसमें अगेन जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कंपलसरी रहता है। जीएसटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आई थिंक 8 मार्क्स का है, और वो भी जनरली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें दो तीन अलग अलग चैप्टर्स का नॉलेज अप्लाई होता है, फॉलोड बाय एनी टू आउट ऑफ द नेक्स्ट थ्री, जो कि 10-10 मार्क्स के थ्री क्वेश्चंस रहते हैं। तो जीएसटी के पार्ट में थियोरी का वेटेज ज्यादा रहता है एज एक्सपेक्टेड, एज टोल्ड टू यू ऑल्सो, एंड वैसा ही आया। और इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल का वेटेज बहुत ज्यादा आया, थियोरी आए भी तो मेनली अमेंडमेंट वाले पोर्शन से आई है, जो कि अपडेटेड रिटर्न वाला पार्ट हम लोग ने पढ़ा है। देन प्रिस्क्राइब्ड केसेस में रिटर्न फाइल करना होता है, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि जब बिजनेस का टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर चला जाता है या प्रोफेशन का टर्नओवर, तो जो अलग से मैंने आपको बोला था कि अमेंडमेंट वाला पार्ट है, इस बार काफी ज्यादा फोकस जो है वो अमेंडमेंट्स पे था, काफी ज्यादा। हम लोग मार्क करते चलेंगे कि कितने सारे मार्क्स का अमेंडमेंट में से आया, एंड इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस इन सेक्शन बी, जीएसटी का जो क्वेश्चन है शुड बी आंसर्ड एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022 एंड सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशंस इशूड अप टू 31st October 2022। इनकम टैक्स का असेसमेंट ईयर रहता है और जीएसटी में 31st October तक जो नोटिफिकेशन सर्कुलर एप्लीकेबल रहे वो। तो ऑल दिस वॉज वेरी वेल कवर्ड इन दैट बैच। तो अब ये क्वेश्चन पेपर है आपका 15 पेज का, पहला पेज तो इंस्ट्रक्शंस का था, और उसके बाद में ये ऑलमोस्ट 3 पेज का ये पहला क्वेश्चन दिखता है बड़ा बड़ा। यही क्वेश्चन को अपन अपने नोट्स में लेंगे तो आधे पेज में आ जाएगा, क्योंकि अपन फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं, पेपर का साइज बड़ा रहता है, तो है आधे एक पेज का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं, टेंशन नहीं। फिर सेकेंड क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ 2A, 2A1, 2A B, तो कितना मार्क्स है देखिए, 3+4+7, ओके 14 मार्क्स। एंड देन थ्री, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 3A+3B, 7+7, 14 मार्क्स। अगर यहां तक कर लिया तो आपका इनकम टैक्स हो गया वैसे तो, लेकिन अगर आपको 2 या 3 में से किसी में डाउट आता है तो उसको मत करो, पहले कौन सा करो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, आपको ये अच्छा लगता है तो। इसका भी ब्रेकअप देखिए 6+4+4, और इसमें जो ये वाला 4 है इसके अंदर थियोरी में ऑप्शन है, अगेन एज एक्सपेक्टेड थियोरी में फर्दर ऑप्शन है, पहले इनकम टैक्स में थियोरी सिर्फ इतनों सी है, और उसमें भी ऑप्शन है कि ये 4 मार्क वाला करो या तो ये वाला करो। अब जो स्टूडेंट कुछ नहीं तो अपडेटेड रिटर्न का थियोरी पढ़ के गया होगा, टाइम लिमिट आपको मैंने बताया हुआ है ना, कि आप कब तक के फाइल कर सकते हैं, कितनी कितना एडिशनल टैक्स के साथ में, तो
आप 4 मार्क का थियोरी तो लिख ही सकते हैं, बट वो भी नौबत कब आएगी जब आपका 2 या 3 में से एक छोड़ना आपको पड़ रहा है, अदरवाइज तो आप थियोरी वाला क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ ही दो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन 4 छोड़ दो, उसमें भी थियोरी सिर्फ इतनी सी है, 4 मार्क की है, बाकी तो डुएबल है। और फिर द सेक्शन बी ऑफ पार्ट 2 इज रिलेटेड टू जीएसटी, 8 मार्क का पहला कंपल्सरी क्वेश्चन, 5वें नंबर का, 2 पेज का क्वेश्चन है। फिर 6+4 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6, एज आई टोल्ड यू 6, 7, 8 में से तीनों 10-10 मार्क के रहेंगे, आपको 2 करना है, 7A 7B, देखिए क्या ब्रेकअप है, 5, 3, 2 मतलब 10, और ये लास्ट 8 का ए और बी, ए बी और शायद, अच्छा दैट्स इट, 5, 5 और 5 बराबर 10 का ही रहेगा ना, तो ए वाले में फर्दर चॉइस है, या तो ये दोनों करो या तो फिर ये करो 5, 5 मार्क्स का, तो इन दोनों में से एक या तो, और फिर उसके अलावा क्वेश्चन नंबर पार्ट बी करो। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर, एंड जो एमसीक्यू के भी क्वेश्चन मैंने देखा है दे आर फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें भी एक भी क्वेश्चन जितने मेरे सामने आए हैं, मुझे यश ने कल फॉरवर्ड किया था, और उसके अलावा भी एक और स्टूडेंट है यूट्यूब पे, उसने कमेंट किया है, वो मुझे भेजने वाला है, तो शायद उसमें और आ जाए। अब अपने स्टूडेंट्स को तो अपने इंकरेज नहीं करते कि जाके फोटो खींच के आओ, बहुत रिस्की रहते हैं, लेकिन कोई खींचता है पूरे इंडिया में, कोई तो रहता है जो बदमाश बच्चा रहता है जो कि फोटो खींच लेता है एमसीक्यू पेपर के, आई डोंट नो हाउ इट गेट्स लीक्ड, बट देन इस बार लॉ के भी एमसीक्यूज लीक हो गए हैं, लॉ के पता चले क्या आपको, नहीं हुए क्या, फिर लॉ का नहीं हुआ होगा, पिछली बार हुआ था लॉ का भी और टैक्स का भी, दोनों के एमसीक्यूज। सिमिलरली अपने सीए फाउंडेशन का, आपके एग्जाम का, जो मैथ्स स्टैट्स का, इवन इकोनॉमिक्स का, वो भी, जबकि आपको अलाउड था क्या बताइए, नहीं था ना, फिर भी वो लीक हो गया था, तो लीक हो गया था, अपन वी डोंट माइंड, अपन उसको टाइप करवा लेते हैं और स्टडी कर लेते हैं कि भाई आईसीआई कैसा पूछता है, वी कैनॉट हेल्प दैट। सो नाउ लेट अस सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट। इनकम टैक्स तो अपना क्लास में पूरा हो चुका है, हो सकता है ये क्वेश्चंस करते करते आपको कुछ कुछ पॉइंट स्पेसिफिकली याद नहीं आएंगे, दैट इज ओके, क्योंकि अभी आपका रिविजन होने का है, रिविजन कर लोगे उसके बाद में जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत फेयरली ईजी पेपर है। तो मुझे जो भी स्टूडेंट्स के मैसेज आए, 5-6 अलग अलग स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं, एंड सभी का रिव्यू पॉजिटिव रहा है, और बहुत लेंदी था ऐसा भी नहीं बोल रहे, एक स्टूडेंट का तो है सर उतना लेंदी भी नहीं था, बिकॉज वॉट यू एक्सपेक्ट इज आफ्टर द प्रीवियस 2 पेपर ऑफ इनकम टैक्स जो नवंबर 22 और मई 22 का हुआ था, एक्सपेक्टेड था कि ये भी बहुत भारी आएगा, लेकिन जो कॉस्टिंग ही थोड़ा सा एज पर द स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया था, तो इट्स गुड दैट इनकम टैक्स में उन्होंने उतना खेल नहीं खेला। अब जो बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके गए होंगे उनको थोड़ी दिक्कत जा रही होगी, ये बात श्योर है, या जिन्होंने अमेंडमेंट्स नहीं देखा होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था रिविजन सेशन में, वहां पर बच्चों का नवंबर में एग्जाम हो चुका है, उन्होंने नवंबर के अमेंडमेंट्स नहीं देखा हुआ है और मई के एग्जाम के रिविजन सेशन में बैठे हैं, तो ऐसे ऐसे कुछ स्टूडेंट रहते, तो उनके लिए प्रॉब्लम है फिर, बिकॉज अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ा है तो आप पुराना सॉल्व करके आओगे जो कि एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। So, ये जो क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, देखिए क्या लिखा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 12 में किताब में है, ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या P&L अकाउंट दिया रहता है और कुछ एडजस्टमेंट्स दी रहती है, आपको वो पर्सन का टोटल इनकम कंप्यूट करना है, एंड उसके अलावा क्या क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम अंडर द प्रॉपर हेड्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर बसिन अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, मतलब ओल्ड स्कीम, assuming he has not opted to pay tax under 115 BAC, also calculate the total tax payable by him, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। So as per the old scheme अपने को calculation करना है, also calculate the total tax payable by him, चलिए देखते हैं क्या दिया है। Mr. Basin, a resident individual, aged 52 years, provides management consultancy services to various corporate and non-corporate clients. His income and expenditure account for the year ended 31st March 23 is as under. तो ये उनके profession का income and expenditure account है, but इसमें कुछ कुछ personal nature के भी item included है, जैसे interest on saving account, lottery winning has nothing to do with his profession or business. तो इसको हम लोगों को यहां से हटाना होगा और जिस head में taxable है उस head में लेना होगा, अगर उसका deduction available है, अदरवाइज मतलब चैप्टर 6A में, तो डिडक्शन के लिए भी मार्क करना होगा। तो इन द फर्स्ट प्लेस हम लोग क्या करते हुए चलेंगे, एक एक आइटम को पढ़ के मार्किंग कर देंगे। सी इफ यू आर टू कैलकुलेट द इनकम अंडर द हेड PGBP, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर।
इसमें जो जो आइटम्स डेबिट हुए हैं बट डेबिट नहीं होना चाहिए था उसको एड बैक कर देंगे, बराबर। जो जो आइटम क्रेडिट हुए हैं बट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था उस हेड के लिए उसको माइनस कर देंगे, एंड उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट्स दिए तो वो भी करेंगे। सो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते, जैसे ग्रॉस रिसीट्स लिखा है, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन ₹60,60,000, इसका मतलब इट इज मोर देन ₹50,00,000, इसका मतलब सेक्शन 44 ADA नहीं लगेगा, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है, सो दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट ईयर 75 लाख था, लास्ट ईयर 75 लाख ग्रॉस रिसीट्स था, इसका मतलब क्या हो जाता है कि दिस पर्सन विल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194 ACHIJ, वो वाले सेक्शन में हमने पढ़ा है ना कि बिजनेस से टर्नओवर या तो 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए या तो प्रोफेशन से टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होना चाहिए पिछले साल का, तो देन ही इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स, तो 60 लाख 60,000। और इन्होंने लिखा है नो टीडीएस वॉज डिडक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द रिसीट्स, मतलब इनको जो पैसा मिला है इसमें ये दिस इज नॉट नेट अमाउंट, दिस इज द ग्रॉस अमाउंट, इसमें से कुछ टैक्स कटा नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग रैदर ये जो आइटम है इसको बिजनेस प्रोफेशन है बी लिख देता हूं फॉर बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन हेड की शुरुआत में इसको लेंगे, बाकी मैं सिर्फ मार्किंग कर रहा हूं और फिर पूरा आपको लिख करके देता हूं आंसर। देन तो इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है इसमें से कुछ भी, लास्ट ईयर के टर्नओवर को सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस ले दिया है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आपके बिजनेस प्रोफेशन में अभी ऑलरेडी क्रेडिटेड है जबकि यहां से हटाना है ना माइनस, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है चैप्टर 12 के क्वेश्चंस में आपने देखा है, और इसको आखिर में डिडक्शन भी लेना है 80TTA क्योंकि इनकी एज अपन ने ऊपर ही देख लिया 52 ईयर्स है, और इन्होंने न्यू स्कीम ऑप्ट नहीं किया है, मीन्स ही विल बी एंटाइटल फॉर ऑल दोज डिडक्शंस। देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी 99,500, नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट्स, अब जो स्टूडेंट रट्टा मार के जा रहा है वो सीधा क्या करेगा, वो 30% मान लेगा, अरे लेकिन यहां लिखा है ना भाई बहुत क्लियरली टीडीएस नहीं कटा, इट्स नॉट नेट ऑफ टीडीएस, नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट्स, ₹500 की टिकट खरीद के ₹1,00,000 कमाया फिर भी उसको 500 का डिडक्शन चाहिए, पहली बात तो ये पूरा जो क्रेडिट हुआ है इतना आइटम रिवर्स हो जाएगा बिजनेस हेड से, और एड होते वक्त अदर सोर्सेज हेड में कितना एड होगा पूरा ₹1,00,000, और ध्यान रखना इस पे टैक्स कैलकुलेशन स्पेशल रेट पे होगा 30% पे, वी विल नॉट अज्यूम दैट उसका टीडीएस कटा है इस पे बिकॉज नथिंग इज गिवन अबाउट टीडीएस, ओके फ्रॉम दिस नेट ऑफ टीडीएस नहीं लिखा है। देन रेंट रिसीव्ड, अगेन रेंट रिसीव्ड इसके बारे में हमको अलग से इंफॉर्मेशन दी है तो उसके साथ में मार्क करेंगे, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, अगर तब तक आपको नहीं पता तो छोड़ दो, इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद मार्क हो जाता है तो बिजनेस हेड से हटा देंगे, इट इज रिलेटेड टू, ये आपको सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो रेंट मिला है ₹20,000 per month मिला है रेसिडेंशियल पर्पसेस का, मतलब प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, नथिंग टू डू विद इस बिजनेस, तो इट विल बी एडेड, इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड देन उसका कंप्यूटेशन होगा प्रॉपर, जो भी वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है, इंटरेस्ट डिडक्शन लेना है, म्युनिसिपल टैक्स एटसेट्रा। तो ठीक है, ये तीन आइटम का ट्रीटमेंट समझ गए। अब डेबिट साइड पे एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन, अनलेस नथिंग इज गिवन वी विल अज्यूम इट इज एन अलाउएबल आइटम ऑफ एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओके, रेट्स एंड टैक्सेस ओके, अज्यूमिंग की ऑफिशियल है, इंफॉर्मेशन रहेगी तो उसको मार्क कर लेंगे बाद में आके, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ओके, अज्यूमिंग की ये इंटरेस्ट ऑफिशियल लोन की है अभी अजम्पशन है, टू ऑफिस रेंट ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंड करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको दी है तो हम लोग उसको बाद में मार्क कर लेते हैं, सो इफ इट इज फॉर ऑफिशियल बिजनेस पर्पसेस तो फिर अलाउड है, लेकिन अदरवाइज अगर वो लाइफ इंश्योरेंस है या पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस है फैमिली का या उसका तो फिर वो यहां से हटाना पड़ेगा। प्रोफेशनल फीस 2 लाख इसने पे किया है, इसके लिए एक्सपेंडिचर है ओके। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, जनरली डेप्रिसिएशन का बुक्स ऑफ अकाउंट का फिगर और इनकम टैक्स का फिगर अलग अलग रहता है तो इसका भी इंफॉर्मेशन रहेगा, तो इट इज फेयरली सिंपल क्वेश्चन ओके। एक भी आइटम देख के ऐसा नहीं लगा कि भाई बहुत कुछ ट्रिकी रह रहे हैं। अब यहां पर आप देखना शुरू करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को दी है टोटल 9 पॉइंट्स,
अब उस वो इंफॉर्मेशन कौन से हेड के काम में आएगी देखते जाते हैं। एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स अ सम ऑफ 3 लाख रुपीज पेड टू हिज वाइफ मिसेस बीना हु इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन हिज ऑफिस। ये जो एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन है टोटल 15 लाख, उसमें से 3 लाख वाइफ को पे किया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, शी डज नॉट हैव एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। Then the payment of salary was as per the market rates in comparison to similar work profile. देखिए अब यहां पर दो provision apply हो रहे हैं। एक तो इन्होंने अपने business के P&L में इसको debit करके रखा है, expenditure बोल के claim किया है। तो there is an applicability of section 48(2) means we have to check whether it is applicable. 48(2) याद है क्या? Unreasonable or excessive payment made to रिलेटिव और स्पेसिफाइड पर्सन, राइट? तो एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स डिराइव्ड और द फेयर मार्केट वैल्यू और द नीड ऑफ द बिजनेस, तो वो असेसिंग ऑफिसर का कॉल रहता है। अब यहां पर भले लिखा है कि सैलरी का पेमेंट मार्केट रेट से है बट उस वर्क प्रोफाइल पे उतना होता है, बट उनकी जो वाइफ है उनके बारे में लिखा है कि शी डज नॉट हैव एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सो वॉट विल हैपन? तो दिस 3 लाख रुपीज पूरा 60,000 नहीं, 60 कहां से है, 60 नहीं, ये पूरा जो 3 लाख रुपीज है, पहली बात तो ये सेक्शन 48(2) में डिसअलाउ हो जाएगा और 3 लाख रुपीज पूरी तरह एड बैक हो जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग हिज बिजनेस इनकम। ठीक है, ये तो हो गया एक सेक्शन। अब देखो डबल टैक्सेशन होने वाला है। आप लोग ने पढ़ते पढ़ते क्या बताया था, 64(1)(1)(a) तो माइनर चाइल्ड वाला है, सेक्शन 64, अब उसका सबसेक्शन आप देख लेना क्या है, सेक्शन 64(1) उसके अंदर में है 1(1) या 1(2) या जो भी। अब उसमें हम लोग ने देखा था कि अगर सेम केस, एक पर्सन का बिजनेस में स्पेसिफाइड इंटरेस्ट है और उसके स्पाउस को विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उस बिजनेस से पेमेंट मिल रही है एज अ रेम्यूनरेशन सैलरी बोनस और कमीशन, तो वो ओनर वो उनके स्पाउस के हाथ में क्लब हो जाता है। सो यहां पर क्लबिंग भी एप्लीकेबल हो जाएगी। सो दिस 3 लाख रुपीज विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर, ये जो मिस्टर भसीन है, तो इनके हाथ में क्लब हो जाएगा एंड दैट टू क्योंकि सैलरी है, तो कौन से हेड में क्लब होगा, सैलरी हेड में, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि पहली बात तो बिजनेस में एक्सपेंडिचर भी नहीं मिला और दूसरा इधर क्लब भी हो गया, दोनों चीज होगी। ओके, अब आईसीआई का सजेशन आंसर तो बहुत लेट आता है, मतलब समझ लो कि सितंबर अक्टूबर में आएगा, लेकिन मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूं यहां पर दोनों चीज हो रही है। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि इन्होंने पेमेंट किया है स्पेसिफाइड पर्सन को तो डिसला होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि वहां क्लबिंग नहीं होगी, इनकम तो उनके हाथ में टैक्सेबल है। और अगर वो वाइफ क्वालिफाइड रहती थी तो यहां पर भी डिसलाउ नहीं होता था, वहां पर भी क्लबिंग नहीं, लेकिन वाइफ क्वालिफाइड नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये तो सिर्फ आप इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे, तो इट विल बी क्लब्ड अंडर द हेड सैलरीज। सो वी विल बी मार्किंग दैट एज वेल। मैंने बी और एस लिख लिया है, उसको हम लोग अपडेट कर लेंगे बाद में। देन इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट हाउस प्रॉपर्टी, ओन्स अ बिग हाउस, मिस्टर भसीन ओन्स अ बिग हाउस विद 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स, यूनिट 1 विद 50% फ्लोर एरिया। अच्छा, एक हाउस के 2 यूनिट है तो हमने क्या पढ़ा है, ट्रीटेड एज सेपरेट प्रॉपर्टीज। तो विथ 50% फ्लोर एरिया हैज बीन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस एट अ मंथली रेंट ऑफ 20,000 फॉर द एंटायर ईयर। ये वो रेंट है, ये वाला रेंट है, राइट? तो इसलिए उसको तो हम लोग बिजनेस हेड से हटा के हाउस प्रॉपर्टी में ले लेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी। यूनिट 2 विद द बैलेंस 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड बाय मिस्टर भसीन एज हिज रेसिडेंस कम ऑफिस, अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर। यूनिट 2 में वो रहता, खुद भी रहता है एंड ऑफिस भी चलाता है। ओके, और पूरे हाउस का पर्टिकुलर लिखा है, मतलब बोथ द यूनिट कंबाइंड, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, अब वो यूनिट 2 में कितना प्रोपोर्शन यूनिट 2 का रेसिडेंशियली यूज करता है और कितना प्रोपोर्शन ऑफिसली यूज करता है नहीं दिया है, तो अपने को मानना पड़ेगा कुछ से उस यूनिट 2 का भी 50-50% यूज हो रहा है। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से जो ऑफिस रिलेटेड खर्चा है वो बिजनेस में अलाउड रहेगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हिज बिजनेस। समझ रहे क्या? तो मैं ऑफिस रिलेटेड खर्चा, जैसे कि कौन सा, ये वाला देखो 10,000,
तो मैं ये 10,000 का पूरा, पहली बात तो चलो यहां से बात करते हैं, अपन यूनिट वन की बात करते हैं। यूनिट वन क्या है? लेट आउट है। लेट आउट है तो उसमें आपको क्या देखना रहता है, एक्चुअल रेंट कंपेयर्ड विथ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट डायरेक्टली इसका मत लेना, ये सबका पहले बात तो 50-50% कर लेना। बाकी आपको पता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। सो आई थिंक ये आ जाएगा है ना। बट इसका भी आधा बोले तो 2 लाख रिलेटेड टू यूनिट वन लेट आउट पोर्शन, वो 2 लाख को कंपेयर करेंगे 2,40,000 से। एक्चुअल रेंट ज्यादा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट, एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो ज्यादा है, उसमें क्या है। तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट कंसीडर करेंगे एज जीएवी। ओके, ये हो गया बात लेट आउट पोर्शन का। देन उसके बाद में फिर यूनिट टू के भी दो पार्ट्स होने वाले हैं, क्योंकि रेसिडेंस कम ऑफिस लिखा हुआ है, मतलब उसका वन पार्ट रेसिडेंशियल, मतलब हम बोलेंगे 25%, 50% का आधा रेसिडेंशियल और 50% का आधा ऑफिस, ऐसा मानेंगे बिकॉज नथिंग फर्दर इज गिवन। तो चलो अब ये तो एक्चुअल कुछ नहीं है, अब एक्चुअल खर्चा ये है 10,000 का, रेंट एंड टैक्सेस के अंदर इंक्लूडेड है। ये 15,000 के अंदर में 10,000 हाउस प्रॉपर्टी का है, तो वो 10,000 में का 5,000 लेट आउट पोर्शन का हो जाएगा, 10,000 में का बाकी 5,000 यूनिट टू का रहेगा, जिसका आधा बिजनेस में अलाउड है और जिसका रिमेनिंग आधा किधर जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट रहेगा, जिसका डिडक्शन नहीं मिलता। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की कहानी कहां से शुरू होती है, एनएवी इक्वल टू निल, तो ऐसा करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये इसका मैं लिख लेता हूं मार्किंग, कि भाई कुछ ट्रीटमेंट बिजनेस हेड में करना है और कुछ एडजस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट कितना रुपए लिखा था, इंटरेस्ट 80,000 था, रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन फाइनेंशियल 10-11, मतलब क्लियरली ये इंटरेस्ट हाउस के लिए है। नाइदर द लोन नॉर द इंटरेस्ट वॉज पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। अब देखिए मजे की बात, छोटी सी बात उन्होंने यहां पे छुपा दिया है, मतलब पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट अक्रू हो गया है। अब देखिए इंटरेस्ट अगर पेबल है और पे नहीं किया आपने कब तक, रिटर्न ऑफ इनकम के डेट तक, तो आपको सेक्शन 43B के हिसाब से पीजीबीपी हेड में उस इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलता है। सेक्शन 43B याद है क्या, ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट पेएबल रहा तो भी डिडक्शन मिल जाता है। तो अब ये जो पूरा अपना इंटरेस्ट है कितना रुपए है, 80,000 रुपीज, ये पूरा जो अमाउंट है क्या होगा इसका, पहली बात तो ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, इसका पहले तो दो पार्ट हो जाएंगे, लेटआउट पोर्शन वाला इंटरेस्ट 40,000 पूरा अलाउ हो जाएगा, रिमेनिंग इंटरेस्ट यूनिट टू के लिए जो है उसके दो पार्ट होंगे, समझ रहे क्या, उसमें से जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है वो भी अलाउ हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता है 20,000, मतलब वैसे तो उसमें कितना मिल जाता है, अप टू 3 लैक्स, सॉरी हाँ अप टू 2 लैक्स, 30,000 और 2 लैक्स, लेकिन यहां पर तो 20,000 ही आ रहा है, चलो वो भी मिल जाएगा। लेकिन जो 20,000 रिलेटेड टू ऑफिस है वो नहीं मिलेगा, ये कई स्टूडेंट ने मिस किया होगा आई एम प्रिटी श्योर, कि भाई उतना कहां ध्यान जाता है, अगर उतना ध्यान, वैसे तो मिस्टेक यहीं से शुरू हो गई होगी, यहां से इसको 50 को भी 50-50 करना चाहिए, ठीक है, तो वहीं से शुरू हो गया, क्योंकि वही गलत किया तो आगे का पूरा लीडिंग चीजें गलत हो जाती। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट का क्या करना है, जो ऑफिस पोर्शन से रिलेटेड इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज इट हैज नॉट बीन पेड, तो उसका ट्रीटमेंट बिजनेस हेड में भी होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी होगा। ठीक है, यहां तक समझे क्या। बेस्ड ऑन द एक्चुअल रेंट रिसीव फॉर यूनिट वन, मिस्टर भसीन हैज डेबिटेड 2,40,000 एज नोशनल रेंट फॉर यूनिट टू विच इज यूज्ड फॉर हिज प्रोफेशन। अब यहां से दो चीजें एक तो आती है, एक तो पहली बात तो नोशनल रेंट है, एक्चुअल खर्चा नहीं है, और वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग यूनिट टू के ना नोशनल रेंट को टैक्स करते हैं ना उसका डिडक्शन अलाउड रहता है, तो ये जो डिडक्शन है इसको तो एक तो रिवर्स करना पड़ेगा, ये जो ऑफिस रेंट है ना ये नोशनल है, इट्स नॉट एक्चुअल एक्सपेंस, तो ये तो बिजनेस हेड में एड बैक हो जाएगा। दूसरा यहां क्या लिखा है, विच इज यूज फॉर हिज प्रोफेशन, तो और उसने पूरा 20,000 के रेट पे ही कर दिया, यूनिट वन का भी 2,40,000 रेंट था, उसने पूरे 2,40 के बेसिस पे कर लिया,
मतलब कहीं वो ये तो नहीं बोलना चाहता है कि वो 100% यूनिट टू को प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है, ऐसा हिंट लिख रहे लग रही ना। लेकिन क्योंकि ऊपर क्लियरली लिखा था रेसिडेंस कम ऑफिस, इसलिए हम ऐसा नहीं मानेंगे, समझ रहे क्या? तो हम लोग ये बस इसका नोशनल रेंट को क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, खत्म। बाकी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको बिजनेस में आपने माइनस किया तो उसको प्लस कर दो, ओके। उसका कोई अलग से टैक्सेबिलिटी नहीं होता है। बाकी आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में हाउस का वो पोर्शन असेसिबल नहीं होता है जो बिजनेस पर्पज के यूज होता है ना, तो या प्रोफेशन पर्पज के, तो डोंट वरी। लेकिन यूनिट टू का हम लोग ने क्या अज्यूम किया है, 50-50 रहेगा, क्योंकि रेसिडेंस कम ऑफिस लिखा था। आगे एक्सपेंसेस ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 72,000, अगेन जो दिया था आपको एक्सपेंट भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रिप्रेजेंट्स लमसम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर बसिन फॉर 3 ईयर्स, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2025 फॉर हिमसेल्फ, हिज स्पाउस एंड टू डिपेंडेंट चिल्ड्रेन। सेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड थ्रू अकाउंट पे चेक। किस सेक्शन की बात हो रही है? 80D, बराबर। पहली बात तो ये बिजनेस हेड से तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। अब डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80D में आफ्टर GTI, बट कितना? वहां पर मैक्सिमम लिमिट 25 है, बट आपको याद है यहां पर ये 3 साल के लिए उसने 72,000 पे किया, और फिर भी उसको कितने साल मानेंगे? 4 साल, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। आपने तो याद है कि MCQ लाया था मेरे पास, तो 72,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, बिकॉज इट इज रनिंग थ्रू 4 प्रीवियस ईयर्स, 22, 23, 23, 24, 22, 23, 23, 24, 24, 25 एंड 25, 26, 4 प्रीवियस ईयर्स के थ्रू जा रहा है। भले आप देखो टोटल ईयर्स तो 3 है डेट टू डेट, लेकिन इट इज पासिंग थ्रू 4 प्रीवियस ईयर्स, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4 एंड नॉट बाय 3, ओके। ये भी मिस्टेक हुई होगी कई बच्चों की, जबकि क्लास में बताया आपको बहुत ध्यान से मैंने, तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, 18,000 आ जाएगा, राइट? तो 18,000 का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80D, डिफॉल्ट डिडक्शन लिखा है, तो बाद में उसको GTI के बाद लेना है। देन एक्सपेंसेस ऑन प्रोफेशनल फीस पेड इंक्लूड्स अ सम ऑफ ₹1 लाख पेड टू अ मिस्टर रौनक, क्या लैंग्वेज है, पेड टू अ मिस्टर रौनक एन इंडियन रेसिडेंट ऑन विच नो टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स। एक मिस्टर रौनक को पे किया कितना, ₹1 लाख विदाउट डिडक्टिंग टैक्स, करना चाहिए था डिडक्ट, TDS वॉज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194J, प्रोफेशनल छाता लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 30% डिसअलाउ हो जाएगा, सो हम लोग इसको बी लिख देंगे, 30% डिसअलाउ, 1 लाख का 30% मतलब 30,000। भले प्रोफेशनल फीस लिखी है यहां पर 2 लाख, 2 लाख का 30% डिसअलाउ नहीं होगा, कितना डिसअलाउ होगा, 1 लाख का, बस इतना। फिर ये कब अलाउ होगा, टैक्स तो डिडक्ट किया ही नहीं, तो या तो अगले साल मिस्टर रौनक खुद कंप्लायंस कर ले तो अगले साल मिल जाएगा, या तो वही मिस्टर रौनक का कंप्लायंस हो गया तो डीम्ड कंप्लायंस हो जाएगा, या तो हम खुद डिडक्ट करके अगले साल या आगे जब भी पे करें। देन देयर वाज ओनली 1 ब्लॉक कंटेनिंग कंप्यूटर्स विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन 2 अप्रैल 2022 व्हेन न्यू लैपटॉप्स फॉर 160 एंड प्रिंटर्स एंड स्कैनर फॉर 40,000 वर परचेस्ड। तो उसने अपने ऑफिस के पर्पस के लिए लैपटॉप और प्रिंटर स्कैनर खरीदा है इसी साल शुरुआत में, 2 अप्रैल को खरीदा है। He charged depreciation at 60% on the entire cost of 2 lakh and debited the amount to income and expenditure account. Very good. Highest rate क्या रहता है? 40%. बस एक केस में 45 देखा था, है ना, वो स्पेशल केस था, लेकिन यहां पर 40% पे रहेगा, तो what we will do, add it back. जो भी depreciation charge के उसको add back कर दो, और जो depreciation होना चाहिए उसको माइनस कर दो, कितना होना चाहिए पूरे पे, क्या 160 प्लस 40 पूरे पे, या सिर्फ 160 पे 40, 40% 40,000 पे अलग रेट पूरे पे। प्रिंटर एंड स्कैनर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज, तो यस पूरे पे 40%। एंड व्हाट अबाउट एडिशनल, नहीं लगेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एसेसी नहीं है, इस साल खरीदा है लेकिन 2 अप्रैल को खरीदा है, तो नंबर ऑफ डेज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ रहता है नहीं, याद है क्या, या तो फुल मिलेगा या तो हाफ मिलेगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इजी था कि नहीं? सो सी वॉट एवर वी स्टडी, मैं आपको जब इतना क्लास में बार बार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम लेके बोलते रहता हूं कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, और वो इस सब चीजों से आता है, ऐसा कोई चैप्टर छोड़ के तो काम नहीं चलता है। देन
Mr. Basin has also taken a loan of rupees 5 lakh from a nationalized bank for higher education of his son. ATE, very good. E for education. वो भी इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए कि प्रिंसिपल के केबिन इंटरेस्ट के साथ. उन्होंने 22-23 में प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 40,000 रिपे किया. तो डिडक्शन सिर्फ इंटरेस्ट का मिल जाएगा. दिस अमाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो सिर्फ इसका आपको ATE में डिडक्शन मिलेगा. बिजनेस हेड में एडबैक नहीं करना है. ये एक आइटम, पहला आइटम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था. समझ रहे क्या? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वहां डेबिटेड था इसलिए पहले एडबैक करेंगे. ये वाला इंटरेस्ट वहां डेबिटेड है ही नहीं तो इसलिए इसको सिर्फ आखिरी में डिडक्शन लेंगे. वो भी प्रिंसिपल पोर्शन का कुछ नहीं करेंगे. लोन अमाउंट से कुछ नहीं करना है. इसमें कोई लिमिट भी नहीं है. अदरवाइज ये रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम. चलिए तो समझ गए क्वेश्चन. अपेरेंटली इजी लग रहा है ना क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसे अपेरेंटली तो इजी लग रहा है. तो अभी मैं आपको समझा के करूं तो बहुत आराम से होगा. लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 14 मार्क इंटू 1.8 मिनट में करना होता है. कितना होता है ये निकालो. एग्जाम में उतने फास्ट करना है 25 मिनट कुछ 14 into 1.8. तो ऐसा देखिए अब इसको हेड्स ऑफ इनकम वाइज दिखाना है उन लोग ने बोला है. तो व्हाट सिस्टम वी शुड फॉलो इज कि प्रॉपर फॉर्मेट रखो और जो डिटेल्स लिखना है वो नोट्स में लिखते जाओ. हर चीज का अलग अलग नोट बना लो. अल्टरनेटिवली आप वही के वही भी उसका डिटेल कंप्यूटेशन कर सकते हो हेड वाइज. नो प्रॉब्लम, दोनों चलता है. ओके आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाओ. ओके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. एंड आखिरी में टैक्स भी निकालना है. तो यस पहला क्वेश्चन रहता है लेंथी लेकिन थैंकफुली डिफिकल्ट नहीं है. ऑफ मिस्टर बसिन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24. ठीक है ये आपको लिखा हुआ है. पर्टिकुलर्स रिमार्क्स अमाउंट. आई पर्सनली प्रीफर दिस टाइप ऑफ अ फॉर्मेट क्योंकि इसमें एक पेज पे पूरा दिख जाता है आंसर और वर्किंग नोट स्पेशली आप अलग से बता सकते हो. ए जो भी हेड्स आपने पढ़ा है सबके नाम लिखते जाओ. इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज. ओके सैलरी हेड में इनकम आने वाली है. शायद कई बच्चों ने लिया नहीं होगा या किसने लिया भी होगा वो वाइफ वाली इनकम क्लब करके तो अदर सोर्सेज में लिया होगा जबकि सैलरी इनकम है. जो हेड की इनकम रहती है उसी हेड में लेना है. नोट नंबर 1. देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी सब हेड्स का पूछ लिया. नोट नंबर 2. प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. नोट नंबर 3 बेसिक फॉर्मेट. तो देखो क्या होता है ना एग्जाम में अपन एकदम पेपर आता है अपन थोड़े से ये रहते मतलब सेटल होने को थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लगता है लेकिन ये तो पता ही कि फॉर्मेट बनाना है. तो आप भी जब एग्जाम का पेपर सॉल्व करोगे पहला क्वेश्चन यही आया टोटल इनकम का ही आने वाला है तो आपने ये फॉर्मेट बनाना शुरू कर देना है. करते करते थोड़े स्टेबिलाइज हो जाते अपन और इन द मीन वाइल आपको एक स्पीड मिल जाती है वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाता है. कैपिटल गेन्स है नहीं. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है. लॉटरी विनिंग्स है. इंटरेस्ट है. इससे मिल जाता है ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम इसमें से अपन लोग ले लेंगे चैप्टर 6A डिडक्शंस या डिडक्शंस फ्रॉम GTI जिसका अगेन नोट बनेगा. नोट नंबर 5. टोटल इनकम GTI माइनस डिडक्शंस.
टैक्स पेबल, इनका खुद का टीडीएस वगैरह कुछ नहीं कटा है, तो जो भी टैक्स आएगा वो ग्रॉस अमाउंट आएगा, इसका बना लेंगे नोट नंबर 6। ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब एक एक नोट अपन अपडेट करते जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले नोट नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरीज। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सैलरी ऑफ वाइफ क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर भसीन। क्या सेक्शन नंबर देखिए उसका क्या था, 64(1)(2) ऐसा है ना। सो कितना रुपए होता है, रुपीस 3 लाख, इतनी सैलरी है माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000, दैट्स इट, दिस इज द इनकम फ्रॉम सैलरीज 2,50,000। अब इसमें डिपेंडिंग ऑन टाइम अवेलेबल व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नोट लिख देना चाहिए कि क्लब क्यों हो रहा है, सर्कमस्टेंसेस क्या थे कि क्लबिंग इज एप्लीकेबल बिकॉज मिस्टर भसीन ओन्स अ बिजनेस फाइव ड्रॉस। वो जो तीन कंडीशंस थी वहां पर एक डायग्राम भी बना है आपकी किताब में, है ना, तीन कंडीशंस, हिज वाइफ ड्रॉस रेम्यूनरेशन फ्रॉम सच बिजनेस, वाइफ डज नॉट हैव, जो वर्डिंग्स लिखी है, एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। फॉर द जॉब, इसलिए क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, ऐसा हम लोग ने इसका नोट लिख दिया, दिस शुड बी इनफ। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट, कोई कोई लोग बोलेंगे कि नहीं ये जो 3 लाख रुपीज है, ठीक है, यहां क्लब कर दिया, तो अगर वहां डिसअलाउ कर रहे हैं तो यहां क्लब मत करो। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां डिसअलाउ क्यों हो रहा है, सेक्शन 48(2) के हिसाब से। फिर बोलेंगे कि नहीं वो तो मार्केट रेट के हिसाब से दिया है, बट देन वहां तीन चीजें देखते हैं, असेसिंग ऑफिसर विल लुक एट 3 फैक्टर्स, लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, एंड थर्ड इज बेनिफिट डिराइव। अगर वाइफ के पास में क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो 3 लाख का बेनिफिट तो बिजनेस को नहीं मिल रहा है, तो डिडक्शन शुड नॉट बी अलाउड एज पर द बेनिफिट वाला पॉइंट वहां पर। तो यहां पर भी एड होगा, वहां पर भी नहीं, वहां पर भी डिडक्शन डिसला होगा। तो 2,50,000, ये एक फिगर अपना रेडी हो गया। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, बाद में आपको मैं भेज दूंगा, अपडेट कर लेना है, पूरे आंसर भेज दूंगा आपको, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, हमने मान लिया कि अज्यूम्ड दैट फिफ्टी परसेंट ऑफ यूनिट 2 has been used for self occupation
एंड रिमेनिंग 50% फॉर हिज प्रोफेशन। यूनिट टू के बारे में क्वेश्चन में कुछ क्लैरिटी कम थी इसलिए। अब हम लोग सिंपल इसका टेबल बना लेते हैं। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं यूनिट वन लेट आउट, यूनिट टू, यूनिट टू का 50% पोर्शन, यूनिट टू का 50%। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाए, यूनिट वन पूरे हाउस का 50% है, यूनिट टू का मैं लिख देता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, ये पूरे हाउस का कितना है 25%, इट इज 25% ऑफ हाउस। ठीक है, और रिमेनिंग 25% की चर्चा किधर होने वाली है, पीजीबीपी हेड में होने वाली। तो वी विल स्टार्ट विद दिस। अब हाउस प्रॉपर्टी हेड का तो आपको पता है कि बड़ा सिंपल सिंपल सा नोट रहता है, क्या क्या रहेगा बताइए। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद दिस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के आइटम दिए अपने को, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यू रुपीज 360,000 हाउस का है तो 180,000 इस पोर्शन का है, और 360 का 25%। वैसे इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ एनएवी, उतना लिखते बैठेंगे तो टाइम चला जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, फेयर रेंट दिया है 4,20,000, उसका आधा होता है 2,10,000, एंड तीसरा होता है स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट 2,00,000, राइट, 4,00,000 का आधा। इससे हमको मिल जाता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, हायर ऑफ ए और बी बट नॉट मोर देन सी, सो विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2,00,000। एक्चुअल रेंट इज अवेलेबल 20,000 पर मंथ फॉर 12 months, जो कि हमारे इसमें भी क्रेडिटेड था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो यहां पर लेना है, वहां से हटा देंगे हम बाद में एक्चुअल रेंट। इससे हमको क्या मिल जाएगा, अब जीएवी, हायर ऑफ जीएवी विल बी हायर ऑफ डी एन ई, राइट, आप लिख सकते हो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें से अपन माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, म्यूनिसिपल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस आर हाउस का टोटल 10,000, उसमें से 50% 5,000, सो का 50% 5,000, समझ रहे क्या। अब ये स्टेज पे हमको मिला एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू 240 माइनस 5 इज 2,35,000, एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन का बाय अप्लाइंग सेक्शन 23(2), याद है क्या, वी टेक द एनएवी इक्वल टू निल। ओके, तो ये पूरा जो है ये हम लोग डैश छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बिकॉज द अदर थिंग्स डोंट मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। एंड देन दो ही डिडक्शंस मिलते हैं, है ना, म्युनिसिपल टैक्स का तो ऊपर ले लिया, उसके बाद में दो मिलते हैं, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एच, ऐसा लिख देता हूं, बताइए 2,35,000 का 30% 70,500, और ये यहां पर तो कुछ नहीं, जीरो का 30% जीरो। देन कौन दूसरा आइटम क्या रहेगा, इंटरेस्ट डिडक्शन
अंडर सेक्शन 24 बी अलाउड इवन इफ इट इज नॉट पेड. ये म्यूनिसिपल टैक्स पे हो चुका है ना, पेड लिखा है, दिस शुड बी पेड, बट इंटरेस्ट मे बी अनपेड, स्टिल मिल जाता है. इंटरेस्ट है टोटल 80,000 पूरे हाउस का, तो ये वाले पोर्शन से संबंधित हो जाता है. 80,000 इंटू 50% इधर और 80,000 इंटू 25% इधर, बचा हुआ 25% उधर किधर, पीजीबीपी हेड में. तो ये हो जाता है 40,000, ये हो जाता है 20,000. ये दोनों डिडक्शंस के आइटम है. अब मिल जाता है अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलिए यहां पे कितना है, 1,24,500, और यहां पर लॉस है ना 20,000 का लॉस है इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू. नाउ बिफोर वी टेक द लॉस टू अदर हेड्स, फर्स्ट इट हैज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम हेड्स इनकम विच इज इंट्रा हेड सेट ऑफ, जो कि करना पड़ेगा. सो देयरफॉर नेट इनकम आ गया आपका, नेट इनकम इज इक्वल टू 1,04,500 आफ्टर द लॉसेज हैव बीन सेट ऑफ. दिस इज द वर्किंग नोट फॉर हाउस प्रॉपर्टी हेड. चेक कर लो जहां जहां पर अपन ने एच लिखा है क्या वो सभी बातें हम लोग ने कंसिडर किया है या नहीं किया है. ये मेरा तरीका रहता है कि भाई कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, जहां एस लिखा था सैलरी में कंसीडर कर लिया, ओके यहां पर ये एच लिखा था इसको भी कंसीडर कर लिया, सो दैट वो हेड कंप्लीट हो गया. ओके अनलाइक इन अकाउंट्स जहां अपन लोग क्या करते, आपको शर्मा सर ने भी सिखाया होगा फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है, मतलब सिक्वेंस में चलो क्वेश्चन के. यहां पर अपने पढ़ लिया, मार्किंग कर लिया, आप सिक्वेंस में एक एक सेट कंप्लीट करते जाओ, क्योंकि हर एक का अपना अपना पूरा तरीका है कंप्यूटेशन का, तो उसमें लिंक नहीं टूटना चाहिए. ये हो गया फ्लो में कंप्लीट, राइट. तो ये लिख लो 1,04,500 इधर लिख लो. देन नोट नंबर 3, ये अपना मेन नोट रहेगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अमाउंट रिमार्क्स. ठीक है बताइए. अब सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट. वर्ड नेट प्रॉफिट नहीं, यहां पर क्या है, सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर रिमार्क्स एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 36,97,500. ठीक है, अब आप लोग ने इनकम वाले साइड में तीन आइटम में तो बी लिख के रखा है, उसको हटाना है ना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां से हटा दो 25,000, इसको हमने माइनस कर देना है. देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, सेम टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जितना क्रेडिट हुआ माइनस उतना ही करना है 99,500, भले उधर ऐड करते वक्त 1,00,000 ऐड करेंगे बाद में. देन तीसरा रेंट रिसीव्ड, दीज आर द इनकम्स टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स. हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2,40,000. ठीक है, मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, हेडिंग भी लिख सकते हैं, ये तीन आइटम के लिए हेडिंग है इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड. फिर अपन लोग लिखेंगे एक्सपेंसिचर डेबिटेड बट डिसअलाउड, इसके बाद में जो जितने जगह बी लिखा है दो सारे रिलेटेड टू एक्सपेंसेस डेबिटेड बट डिसअलाउड. ये है एक तो सैलरी, सैलरी टू वाइफ हु इज अनक्वालिफाइड, तो हम लोग लिखेंगे डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48(2). कितना रुपए डिसअलाउ हो जाएगा 3,00,000. इसको एडबैक कर रहे हैं हम लोग
क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को कम करके बैठा है, इसको रिवर्स कर रहे हैं, समझता है आपको? देन ये सेकेंड पॉइंट में मैंने बी लिखा ही नहीं था, इट वॉज ऑल रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। इसमें था ये ऑफिस वाला पोर्शन है, लेकिन यहां पर कोई ऐसा कोई आइटम नहीं है इस पॉइंट में ऑफिस वाले पोर्शन से संबंधित, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट का ऑफिस वाले पोर्शन में कोई यूज नहीं है। हाँ, ये जो डायरेक्टली रेट्स एंड टैक्सेस है 10,000 रुपीज, उसमें से देखिए 7,500 इज रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी हेड। ठीक है, देखिए वैसे तो रेट्स एंड टैक्सेस कितना है टोटल, टोटल यहां पर कितना लिखा है 15,000, लेकिन पूरे 15 पे कुछ नहीं करना है, उसमें से 10,000 हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित है, रिमेनिंग 5,000 तो ऑफिस का ही होगा। अब जो 10,000 हाउस प्रॉपर्टी का है उसमें का 75% हाउस प्रॉपर्टी हेड से संबंधित है, तो रेट्स एंड टैक्सेस अपन लिख सकते म्युनिसिपल टैक्सेस रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अलाउड, है ना, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। तो 10,000 × 75% 50% + 25% यूनिट टू का, ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख लो यूनिट वन प्लस 50% ऑफ यूनिट टू, टू मेक इट क्लियर 7,500 हम लोग एड बैक कर देंगे। देन और क्या क्या आइटम है, इंटरेस्ट है, इसका भी हो गया ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट अगेन रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, सेम 80,000 का इंटरेस्ट है, उसमें से देखो पूरा 80,000 डेबिटेड है, अपने को सिर्फ 20,000 का डेबिट रखना है, मतलब अपने को रिमेनिंग 60,000 का डेबिट हटाना है, डेबिट हटाना है मतलब एड बैक करना है प्रॉफिट में से, समझ रहे क्या? 80,000 का 75% 60,000 जो ऑलरेडी जिसका डिडक्शन हम लोग इधर ले चुके हैं, है ना, जिसका डिडक्शन ये देखो ये 60 दिख रहा है क्या, 40 + 20। आप बोलोगे सर यहां तो पूरा 7,500 दिख नहीं रहा है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको पता है ना कि एनएवी से कहानी शुरू होती है। देन इसका भी काम हो गया, नोशनल रेंट, नोशनल रेंट नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, आप लिख सकते डिसअलाउड, ओके डिसअलाउड। अब स्पेसिफिक सेक्शन इसका कोई है नहीं, मतलब अलाउड ही नहीं है तो उसका कुछ वो नहीं है, सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं, नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन ₹2,40,000 Only actual expenses should be incurred. हाँ, कौन सा इंटरेस्ट? अरे हाँ, वो जो 20,000 है इसके बारे में भी अपन ने सोचा था ना, सेक्शन 43B उसको भी एड बैक करना पड़ेगा, अपन ने बात किया था, तो वो भी लिख लो, देखो मिस हो गया, इंटरेस्ट रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ ROI, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B। बिजनेस वाला भी इंटरेस्ट एडबैक हो गया, इफेक्टिवली पूरा 80,000 यहां से एडबैक हो गया, है ना, जो दूसरे हेड का था वो तो नहीं मिलेगा, बिजनेस वाला भी यहां पर एडबैक हो गया, समझ रहे क्या सब लोग? देन ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, पर्सनल एक्सपेंस आप लिख दो यहां पर, पर्सनल एक्सपेंस इधर तो अलाउ नहीं होता है, देयरफॉर डिसअलाउड, समझ रहे क्या? 72,000 जहां जहां बी लिखा है, देन डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल फी, डिसअलाउंस ऑफ प्रोफेशनल फी 30% ऑफ 1 लाख, सेक्शन नंबर
40A1A जाकर देखना, मैंने आप उसके दो स्टार लगाए थे दोनों तरफ एक एक स्टार, कि ये रियल लाइफ में बहुत अप्लाई होता है। 1 लाख का 30% डिसअलाउ हो रहा है, 30,000, बिकॉज आप लिख सकते हो फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है, ड्यू टू नो टीडीएस। बस, और फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन द बुक्स को एड बैक कर देंगे 60,000 को एड बैक कर देंगे, 60 था ना, 2 लाख का नहीं, 120 था, 60%, 2 लाख का 60% एड बैक कर देंगे जो लोग ने किया, वो थोड़ी ना अलाउड है, बट जितना डिप्रिसिएशन अलाउड है उतना माइनस कर देंगे। कितना डिप्रिसिएशन अलाउड रहेगा, 80,000, 40% डिप्रिसिएशन अलाउड, 40% अंडर सेक्शन नंबर 32, जितने सेक्शन नंबर याद आते हैं लिखते जाओ वहां पर। ओके, 40% इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंटर्स और कंप्यूटर्स, 40% ऑफ 2 लाख, 80,000 अलाउड है, तो ये आइटम माइनस हो जाएगा। ओके, ये वाला आइटम माइनस हो जाएगा। सो फाइनली दिस इज द इनकम, बिजनेस प्रोफेशन हेड का इनकम बताइए कितना आ रहा है, 31 लाख, 41 लाख, 2,500 बराबर की प्लस माइनस जिसको जो करना था, ठीक है। तो मैंने अलग अलग सेट्स नहीं बनाया कि ये तीन को ऐड करो, इसको माइनस करो, अलाइन से हर आइटम का हम लोग रिमार्क्स लिखते गए। सो दिस शुड बी सफिशिएंट, नोट्स जितने ज्यादा लिखे उतना अच्छा, लेकिन टाइम को भी बैलेंस करना पड़ता है। 41 लाख, 2,500 छूटता भी पेपर, ऐसा नहीं है कि नहीं छूटता है, अच्छे अच्छों का छूट जाता है, अभी अपना भी छूटने वाला है। 41 लाख, 2,500, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये हो गया बेटा सबका अच्छे समझ के। नोट नंबर 4, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें दो ही आइटम है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट जो कि हम लोग ने वहां एड बैक किया था 25,000, और लॉटरी विनिंग्स। नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज अ डिडक्शन, तो इसलिए लॉटरी विनिंग पूरा का पूरा 1 लाख एड बैक होगा, ये तो आपको पता ही है बात। और कहीं आपने ओ लिख के रखा है इसके अलावा, नहीं है, ये दो ही जगह ओ लिखा था। सो 1,25,000 इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टैक्स कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना, लॉटरी विनिंग पे 30% लगेगा, बाकी इनकम नॉर्मल स्लैब्स के हिसाब से जाएगी। 1,25,000 बताइए, अब जीटीआई आ जाएगा अपना, ये चारों को ऐड कर लो कितना आ रहा है बोलिए, 45 लैक्स, 45 लैक, 82,000 राउंड फिगर, 45,82, ठीक है। देखिए कॉमा की हैबिट से एक फायदा होता है कि हम लोग फिगर 1,25,000 को 12,50,000 टाइप नहीं करेंगे, है ना, कैलकुलेटर में डालते वक्त छोटी छोटी चीजें रहती हैं। फिर डिडक्शंस, डिडक्शन के अपन लोगों ने तीन आइटम लिख के रखे, नोट नंबर 5, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। लग रहा है सीए का पेपर कर रहे बढ़िया, है ना, ऐसे पन्ने पलट रहे, 3 पेज पहले आंसर लिखा था। ओके, तो एक डिडक्शन है सेक्शन 80D का, इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, अमाउंट पेड तो है 72,000, बट डिडक्शन विल बी इक्वल टू 72,000 डिवाइड बाय 4, दैट इज 18,000, और मैक्सिमम अलाउड है 25,000, तो करेक्ट आंसर है 18,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 80D। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 80E,
इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन टेकन फॉर हिज सन, 80D। यहां पर हम लोग ने डी लिखा था, इसको कट कर देते हैं। ये पेज के पूरे आइटम डिस्कस हो गए हैं अपने, और ये पेज पे ये ही बचा है इंटरेस्ट 40,000। इसमें कोई लिमिट नहीं है अदरवाइज, 40,000 का इंटरेस्ट। और फिर सेक्शन 80TTA, ये नहीं भूलना है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। वैसे तो मिला कितना है 25,000, बट मैक्सिमम लिमिट कितना है 10,000। दैट्स इट। दिस टोटल डिडक्शन कैन बी टेकन ओनली फ्रॉम अदर इनकम, नॉट फ्रॉम लॉटरी विनिंग, बट देन वी हैव सफिशियंट अदर इनकम्स। कितना हो जाता है 68,000 का डिडक्शन मिल गया, बिकॉज इज इन द ओल्ड स्कीम, तो डिडक्शंस तो पूरे बिल्कुल मिल जाते हैं। समझ गए क्या? ये 68,000 इधर अपडेट कर देंगे अपन, तो अब इनका एफ माइनस जी ये बचेगा 45,14,000, जिसपे टैक्स निकालना है। तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। नोट नंबर 6 लास्टली जो है, टैक्स पेएबल 45 लाख है, मतलब सरचार्ज नहीं लगेगा, 45,14 आ रहा था ना। सो इनकम, टोटल इनकम इज इक्वल टू 45,14,000। आप लिख लो इंक्लूड्स लॉटरी विनिंग ऑफ रुपीज 1 लाख। सो टैक्स ऑन लॉटरी विनिंग 1 लाख इंटू 30%, फ्लैट रेट ऑफ 30%, 30,000। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम ऑफ 44,14,000। सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल। आपको पता है ऑन 0 to 2.5 लाख nil, 2.5 lakh to 5 lakh एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। ये टाइम रहा तो इतना लिखने का वहां पर, वरना डायरेक्ट कैलकुलेटर में करके आप आंसर लिख सकते हो। यहां पर 20% बोले तो 1 लाख, और ऑन बैलेंस 34,14,000, 30%। कितना होता है 34,14,000 का 30%? 10,24,200। इसका टोटल लगा लो 11 लाख, 36,700। बस दैट्स द आंसर। इसमें 30,000 ऐड कर दो, 11,66,700। टैक्स वाली नोट में और कोई खास कॉम्प्लिकेशन दिख नहीं रहा है मुझे। सेस रहेगा, यस सेस रहेगा, लेकिन उसके अलावा ये कुछ सरचार्ज भी नहीं, और कोई टीडीएस भी नहीं कटा हुआ है अपना, है ना। प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बना दो, कितना होता है 12,32,368, 13,13, 12,13,000, 368 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 370, उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं आप टू द नियरेस्ट टेंस, 12,13,370। इतना टैक्स आ रहा है मिस्टर भसिन का, ऐसा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। एज सच कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, जो एक अजम्पशन लिया था हमने कि यूनिट 2 50-50% है, तो वो हमने लिख दिया है, वो लिख लेना बाद में, बहुत बहुत क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपको समझ गया ना मेन क्या है, टैक्स कंप्यूटेशन में तो कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A1 सिर्फ 3 मार्क का है, उस हिसाब से उसको सिर्फ 5 मिनट देने का है, मतलब एग्जाम में। मिस्टर जयचंद एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री एक्स। पूछा क्या है, पहले ये देख लो, पूछा है रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ, विल योर आंसर चेंज इफ इज अ सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स। सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है। इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया इन जून 14, रेगुलरली विजिटेड इंडिया एंड स्टेड फॉर 60 days इन एवरी प्रीवियस ईयर सिंस देन, ओनली 60 days पर ईयर। However, in financial year 22-23, he did not come to India at all. Very good. How many days of stay in India? Zero. Big zero. Therefore, वो normal conditions के हिसाब से तो resident बन ही नहीं सकता है. At least normal में कितना रहता है?
वैसे तो 182 रहता है, नहीं तो अदरवाइज कितना रहता है 60 डेज। तो बेटा पिछले चार, मतलब 60 डेज का कैसा देखते हैं अपन लोग, 60 डेज एंड पिछले चार साल का 365 डे, बट ही इज एन इंडियन सिटीजन कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, तो 60 गेट्स रिप्लेस्ड विथ 120 और 182 बराबर। लेकिन यहां पर तो इस साल ये जीरो डेज के लिए था इंडिया में, ही ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग इन, तो फिर उस हिसाब से तो नहीं बनेगा, बट एक इंडियन सिटीजन के लिए और एक जरिया है डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6(1)(a) और एक जरिया है, ही ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग इन दिल्ली विच वॉज विच इज लेट आउट। तो इसमें सेक्शन 6(1)(a) के लिए क्या देखते हैं, इंडियन सिटीजन जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख के ऊपर होना चाहिए, एंड इंडियन इनकम बेसिकली मींस इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। ओके, सो इसमें दो टाइप की इनकम कवर होती है, जो इंडिया में अक्रू एंड रिसीव हुई, यहां अक्रू हुई या रिसीव हुई, एंड हाँ डीम टू बी अक्रू रिसीव हुई वो भी, एंड इनकम हाँ जो कि अर्नड आउटसाइड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वो भी इसमें इंक्लूड होती है। तो देखिए, ही हैज आल्सो सेट अप अ रिटेल स्टोर इन इंडिया विच इज कंट्रोल्ड बाय हिज ब्रदर फ्रॉम इंडिया, रिटेल स्टोर इंडिया में है, ब्रदर इंडिया में ही कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी इंडियन इनकम है, पक्की बात है। ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो देखिए दो इनकम्स दी है, कमर्शियल बिल्डिंग का कंप्यूटेड इनकम दिया है 12 लाख रुपए, तो इसमें से 30% माइनस नहीं करना है। इनकम फ्रॉम रिटेल स्टोर 4,50,000, ये भी कंप्यूटेड है, तो टोटल इनकम दोनों ली जाएगी क्या, आर बोथ द इनकम्स अर्नड इन इंडिया, वेरी वेल, सो ये दोनों इनकम को लिया लेंगे हम लोग। और कंट्री एक्स जहां पे वो रहता है डज नॉट टैक्स एनी इंडिविजुअल ऑन देयर इनकम एज देयर इज नो पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम देयर। ओके, तो टैक्स हैवन है वो कंट्री में, इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो अब क्या करेंगे बताइए, यस ही इज अ डीम टू बी रेसिडेंट आर, हाँ, और एस केस में सिर्फ वो क्या बन सकता है, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(a) एंड ही विल ओनली बिकम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इसकी पूरी इनकम इंडिया में टैक्सीबल रहेगी, वैसे पूछा नहीं है। ओके, आई होप यू नो दिस प्रोविजन वेल नाउ, एंड विल योर आंसर चेंज इफ इज अ सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स, यस देन ही इज अ नॉन रेसिडेंट, दूसरे कंट्री के सिटीजन को हम लोग इंडिया में टैक्स नहीं कर सकते, है ना, जस्ट बिकॉज तुम्हारे यहाँ टैक्स नहीं लग रहा है, एक काम करो हमारे यहाँ टैक्स भर दो, भाई कुछ लेना ना देना है ना, और उस इस साल तो वो आया भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में एएमटी प्रोविजन नहीं लेंगे क्या, एएमटी प्रोविजन चेक कर सकते बेटा, एएमटी प्रोविजन का कोई खास मीनिंग नहीं आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि एएमटी में क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि मिनिमम आपकी जो इनकम आती है आफ्टर ऑल डिसअलाउड डिडक्शंस, कौन से डिसअलाउड है वहां पर, सेक्शन 35AD, सेक्शन 10AA याद है क्या, और 80JJAA, यही दो तीन अपन ने पढ़ा है, हाँ 80QQB 80RRB, इसमें से तो कोई लिया नहीं अपन ने, तो आपकी जो टोटल इनकम आ रही है वो यही आएगी, और इसका 18% निकालो, 45,14,000 का 18%, इससे कम ही आने वाला है 18.5, इससे कम ही आ रहा है ना, तो मतलब क्योंकि यहां पर कुछ वैसा रिवर्सल है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसका इनकम पे, वैसे भी एवरेज रेट जो है 12,13,000 डिवाइडेड बाय 45 लाख, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास ही एवरेज रेट है, सो इसलिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपने वो नहीं भी लिखा तो चलेगा बेटा एग्जाम में, ये वाले केस में टाइम रहा लिख सकते हो, याद आ गया लिख सकते, बट क्योंकि वो दो तीन आइटम है ही नहीं तो लिखना नहीं है, उसका एक अलग क्वेश्चन है नीचे आपका जो एएमटी का, तो ये क्वेश्चन समझ गया आपको, डीम्ड रेसिडेंट है, बिल्कुल प्लेन वैनिला क्वेश्चन है ना, यही तो सिचुएशन थी, बस टोटल इनकम देख लेने का, इंडियन इनकम इज मोर देन ₹15 लाख। नेक्स्ट, मिस्टर प्रशांत एजेड 35 ईयर्स इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, नाम पे मत जाओ, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ओके प्रशांत हु इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया विजिट्स इंडिया फॉर 125 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर सिंस पास्ट 11 ईयर्स, हर साल 125 दिन के लिए आता है फिर चले जाता है। During the financial year 22-23, he visited India for a total period of 200 days. 200 दिन के लिए विजिट किया, ठीक है? तो क्या करेंगे? इस साल ज्यादा आ गया है, तो
इसका मतलब वो 182 से तो ज्यादा ही है, देयरफॉर ही इज अ रेसिडेंट, रेसिडेंट तो पक्का है। अब आगे, पर्पस ऑफ हिज विजिट वॉज टू मीट हिज फैमिली मेंबर। देखो अगर इंडियन सिटीजन बाहर रहता है, इंडिया में आता है, तो थोड़े अलग प्रोविजन है, लेकिन ये तो नॉन इंडियन सिटीजन है और इंडिया में आ रहा है, इस पर नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। और इस साल वो 200 डेज ऑलरेडी है इंडिया में, तो एज पर द फर्स्ट बेसिक कंडीशन इटसेल्फ ही बिकम्स अ रेसिडेंट। नाउ वेदर ही इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, पिछले सात साल का टोटल स्टे 730 डेज के ऊपर होना चाहिए, जो कि है क्या, यस 125 इंटू 7 870 मींस मोर देन 730 डेज। एंड पिछले 10 में से एटलीस्ट 2 साल ही शुड हैव बीन अ रेसिडेंट। अब ये देखो, आप 10 में से 2 साल वो रेसिडेंट था क्या, देखिए बेसिक कंडीशन 1 के हिसाब से तो नहीं था, 60 डेज वाले के हिसाब से था, यस, बिकॉज जैसे पिछले ही साल का देखे अगर 21-22 का, तो ही वॉज रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज, और उसके पहले के 10 साल में क्लियरली ही क्या है उसका स्टे जो है वो उसके पहले के 4 साल में 360 डेज से ज्यादा है, 125 इंटू 4 इज क्लियरली मोर देन 365, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। देयरफॉर ही इज अ रेसिडेंट in at least 2 years out of the last 10 years, therefore he is a resident and ordinarily resident. समझ रहे क्या? ROR. आगे क्या होगा? Purpose of his visit was to meet his family member who are settled in India. हमको क्या करना है? Also for managing his business in Sri Lanka through his office in Chennai, India. Now he is ROR, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी global income India में taxable है। ROR क्यों है, समझ गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टैक्सेबल इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका कंट्रोल फ्रॉम चेन्नई, ये आर एनओआर रहता था तो भी ये इनकम टैक्सेबल होती थी, लेकिन ये तो आरओआर है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, शेयर्स वर सोल्ड ऑनलाइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये भी टैक्सेबल रहेगा, है ना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन नहीं रहता उसमें कोई, ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड टैक्सेबल है, ऑस्ट्रेलिया में खेती किया, देश की खेती खेती है, बाहर की खेती बिजनेस है, मतलब ये टैक्सेबल है, रिसीव देयर एंड देन। देखो इन द फर्स्ट प्लेस ये टैक्सेबल रहेगा और बाद में ब्रॉड टू इंडिया ये दोबारा टैक्सेबल नहीं रहेगा, रेमिटेंस एक्टिविटी इज नॉट टैक्सेबल, बट इनकम अर्न इन द फर्स्ट प्लेस इज टैक्सेबल। सिंपल है, फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूट इज इनकम, तो 20 + 16 = 36 प्लस 50,000 36 50 38 50, मैं इस इनकम को भी एक बार लूंगा, फिर दोबारा जब इंडिया में आ रही तब दोबारा नहीं ऐड करूंगा, समझ रहे क्या? बिकॉज ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, प्लेन क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, राइट? आपको देखना है कि ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से रेसिडेंट बन गया, उसके बाद एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी बात, एडिशनल कंडीशन पहली वाली में क्या था कि 7 years में 730 days का stay होना चाहिए, जो कि है, and second में क्या था, he should have been a resident in 2 years at least out of the last 10 years. अब सिर्फ last year का भी देखे, कोई भी साल का randomly देखे, पिछले 4-5 साल में से, तो उसका stay 60 days से ज्यादा है during that year, and उसके पहले के 4 साल का stay 365 days से ज्यादा है, so therefore he was a resident in the last few years, in the last more than 2 out of 10 years, right? और यहां पर हम लोग 60 को रिप्लेस नहीं कर रहे 120 या 182 से, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि he is an Australian citizen coming to India on a visit, he is not an Indian citizen, ये कारण से। बोलो कैसा लग रहा है यहां तक पेपर? 28 मार्क्स का हो गया है, 28 नहीं, ये अभी 7 मार्क का ही हुआ है, ये और 7 मार्क का बच्चा है, अभी सिर्फ 21 मार्क्स का हुआ है, लेकिन बट एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट रेसिडेंशियल स्टेटस का ही एक्सपेक्टेड था एंड आया, 2 का बी पार्ट टीडीएस का ही एक्सपेक्टेड था आया, ये देखिए, एंड ये हम लोग ने पढ़ा है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाते वक्त अलग से अमेंडमेंट नोट्स पे ये सर्कुलर का ये पार्ट दिखाया था, ये वाला देखिए, क्वेश्चन पढ़ो। मिस तारा अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड 32 इयर्स इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, शी मेक्स वीडियोज रिव्यूइंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड पोस्ट दोज वीडियोज ऑन सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर
On 1st December 2022, XYZ Limited, an Indian company, manufacturer of electronic cars, gave her a brand new car having fair market value of 6 lakhs to promote on her social media page. She used that car for 7 months and for her personal purposes. She recorded a video reviewing the car and then returned the car to the company. You are required to discuss the applicable provision in the Income Tax Act regarding the deduction of tax at source in respect of such transaction. मतलब वो कंपनी ने उसको अदरवाइज कोई पेमेंट नहीं किया तो सेक्शन 194 जे वगैरह नहीं लगेगा, ओके, प्रोफेशनल फीस वगैरह का सेक्शन लगेगा 194 आर, जो कि अमेंडमेंट वाला प्रोविजन है, प्योरली बेस्ड ऑन अमेंडमेंट, बताया था आपको मैंने, और उसे संबंधित एक पूरा सर्कुलर आया था और उसमें ये पॉइंट कवर था कि इन्फ्लुएंसर को अगर कंपनी अपना प्रोडक्ट देती है, ये डिस्कस किया है कि नहीं, यस, और फिर वो इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट को अगर रख लेता है then it is a perquisite, लेकिन अगर रिटर्न कर देता है then it is not a perquisite. तो हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे कि no TDS shall be applicable under section 194R because the influencer returns the product. Amendment notes में था बेटा ये, बराबर है? Amendment notes किधर गए? ये रहे amendment notes, ये देखो section 194R है ना, TDS in respect of perquisites, okay, given otherwise than in the case of salary, business या profession में दिया. ये देखो, ये हम लोग ने marking करके भी रखा है, ये वाला. Many a time social media influencer को product देती है company कि तुम ये करो, उसके बारे में बोलो, ये benefit या perquisite है क्या? तुमने बोला depends on the fact of the case. If the product is returned to the manufacturing company after using, then it will not be treated as a perquisite. If it is retained, then it is a perquisite. अब भले ही ये थोड़ा सा strange लग रहा है कि 7 months ले use किया, लेकिन उसका value अलग से निकालने का as such कोई method नहीं दिया हुआ है कि 7 month ले use किया तो perquisite है. We will go with the circular. क्या लिखा हुआ है उसमें कि अगर return कर दिया तो perquisite नहीं है, return कर दिया है तो it's not a perquisite. ठीक है? अब एक छोटी सी बात, December में दिया था, 31 मार्च तक तो कंपनी को अगर पहले से पता है कि रिटर्न होने वाला है तो टैक्स डिडक्ट नहीं करेगी, लेकिन अब वो इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा बड़ी आदमी है, बड़ी औरत है, मिस तारा, तो इन दैट केस वेदर शी विल रिटर्न और नॉट द कंपनी डज नॉट नो, तो कंपनी को फिर वैसे केस में टैक्स डिडक्ट कर लेना चाहिए. समझ रहे क्या? उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि 7 month में तो ईयर भी खत्म हो जाएगा ये, बट उतना हम नहीं सोचने वाले, हम सीधा बोलेंगे एज द प्रोडक्ट इज रिटर्न बाय हर सो इट इज नॉट डज नॉट अमाउंट टू परक्विजिट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. So TDS under 194R you have to mention is not liable to be deducted. ठीक है? Then next, Mr. Aruna, a CEO of a multinational company, she hires Mr. Suresh for supply of her housing staff like gardener, chefs and drivers. Work के लिए hire किया and makes the following payments: 25 लाख रुपए on 10th August and 30 लाख रुपए on 22 November. मतलब कि वो स्टाफ प्रोवाइड करेगा पर्सनल पर्पसेस के लिए, ठीक है, तो हाउसिंग स्टाफ, तो उसके लिए उनको कितना रुपए कमीशन दिया? 55 लाख रुपए. ठीक है, कमीशन भी बोल सकते हैं और लेबर सप्लाई का टोटल चार्जेस बोल सकते हैं. ठीक है भाई, साल भर में 50 लाख के ऊपर किया है. सी, सेक्शन 194C विल नॉट बी एप्लीकेबल. व्हाई नॉट? बिकॉज शी पर्सनल पर्पस के लिए, एंड सेकेंडली शी इज एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग turnover of her business more than 1 crore or profession more than 50 lakhs in the last year. She is a CEO of MNC, matlab employee, barabar? 194C apply nahi hota hai. Kaun sa section hai? 194M. Jahan par 194C, J ya to fir H commission wala apply nahi ho sakta hai. Wahan par ye apply ho jata hai, provided that amount exceeds rupees 50 lakhs. 194M mein kya rate tha beta? 5%. अगर आपको ये बेसिक्स ध्यान है तो यू विल बी एबल टू आंसर. पूरे 55 लाख पे 5% टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा. ओके, भले ही सेकेंड पेमेंट में कर रही है चलेगा, लेकिन टैक्स तो डिडक्टेबल है. मतलब सेकेंड पेमेंट में डिडक्ट करते वक्त 55 लाख पे कैलकुलेट करके करना पड़ेगा. वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस अरुणा इज अ बिजनेस वुमन एंड हर बिग बुक्स आर नॉट ऑडिटेड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड पेमेंट टू सुरेश इज फॉर बिजनेस पर्पसेस. बुक्स ऑडिट नहीं हुए है का मतलब होता है कि शायद टर्नओवर 1 crore से कम होगा, राइट? तभी तो बुक्स ऑडिट नहीं हुए हैं.
तो इसका मतलब अगेन 194C इज नॉट एप्लीकेबल, तो हम बोलेंगे सेम आंसर कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, 194M। आपको याद है मैंने आपको 194ACHIJ के बारे में कॉमन बात बताया था कि उसमें जो डिडक्टर रहता है इट इज जनरली एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HOF हुज टर्नओवर इन द लास्ट ईयर वाज लेस देन द थ्रेशोल्ड 1 crore फॉर बिजनेस 50 lakh फॉर प्रोफेशनल। तो 194C फिर भी अप्लाई नहीं हो रहा है भले बिजनेस पर्पस लिए है। डिड यू गेट इट? ऐसा कितने मार्क का है? 7 mark के 3 items है। अब ब्रेकअप उन लोग ने नहीं दिया है तो वी कैन अज्यूम ऑन एन एवरेज दो तीन मार्क का एक एक है। ये वाला लास्ट वाला 2 ही mark का होगा क्योंकि सिंपल है। बाय वर्चू में भी सिमिलर क्वेश्चन आपकी किताब में भी है, सॉल्व में देखोगे। वर्चू ऑफ एन अग्रीमेंट विथ नेशनलाइज्ड बैंक मेसर्स ABC प्राइवेट लिमिटेड अ कंपनी एंगेज्ड इन केटरिंग बिजनेस रिसीव्ड ₹60,000 पर मंथ टुवर्ड सप्लाई ऑफ फूड वाटर स्नैक्स एटसेट्रा ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स टू द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक डिस्कस द TDS इंप्लीकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। 194C है ना, केटरिंग इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ वर्क। वर्क के स्कोप में केटरिंग आता है, एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्टिंग केटरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशंस ओके फ्रॉम द मटेरियल सप्लाइड बाय द अदर पर्सन। केटरिंग डेफिनेटली आता है सो 194C अप्लाई हो जाएगा। एंड क्योंकि वो किसको पे कर रहे हैं एक हाँ अमाउंट उसका थ्रेशोल्ड के ऊपर ही है क्लियरली। कितना थ्रेशोल्ड है? 30,000 पर ट्रांजेक्शन एंड 1 lakh पर एनम, दोनों को एक्सीड कर रहे हैं। और उसमें पेई पे डिपेंड करता है कि रेट कौन सा लगेगा। पेई अगर इंडिविजुअल HOF है तो 1%, अदरवाइज 2%। तो यहां पर कंपनी है पेई प्राइवेट लिमिटेड तो 2% से टैक्स डिडक्ट करना होगा बैंक को। इजी था, TDS के जो क्वेश्चन आए थे इजी थे, डुएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A। मिस्टर भगत एन इंडिविजुअल, आपको क्या पूछा है? कंप्यूट द इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT। देखो प्रसाद आपने पूछा ना, तो यहां पर लिखा है कि AMT को कंसीडर करके करो। वो क्वेश्चन में लिखा नहीं था तो हमने AMT को वैसे ही कंसीडर नहीं किया, लेकिन कर सकते अगर इसमें से कोई आइटम रहा तो। इंक्लूडिंग AMT अंडर 115JC, AMT क्रेडिट इफ एनी अंडर सेक्शन 115JEE, पेबल बाय मिस्टर भगत फॉर 23-24 असेसमेंट ईयर अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, दैट इज इग्नोरिंग प्रोविजन ऑफ 115BSE। वैसे भी अगर न्यू स्कीम में जाते तो AMT अप्लाई नहीं होता है, इग्नोर मार्जिनल रिलीफ इफ एनी। तो मतलब अपने को बहुत नॉर्मल, अपन ने एक क्वेश्चन याद है किया था AMT प्रोविजन के वक्त, सेम फिगर्स है क्या? फिगर्स सिमिलर, मतलब फिगर्स अलग होंगे लेकिन अपन ने किया है ऐसा क्वेश्चन बुक में। देखो क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट सेटअप किया था 17-18 में। तो पहली बात तो 17-18 से ये कितवा साले गिन लो, 17-18 से लेकर के 22-23 पांचवा साल हो जाता है। ये है क्या? 22-23 भी नहीं, 21-22 में 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23 है। तो दिस इज द 6th ईयर, इसका मतलब 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिलेगा। ओके, यूनिट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ 10AA, ही सेट अप अ हॉस्पिटल इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र विथ 110 beds, मोर देन 100-bedded हॉस्पिटल रहा तो 35AD लगता है। ओके, पिछले साल सेटअप किया था, इट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ 35AD। कैपिटल एक्सपेंडिचर 65 lakhs था, उसमें से 15 lakh लैंड का था, बैलेंस बिल्डिंग का था, 50 lakh बिल्डिंग का मिलेगा। हॉस्पिटल बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम 1st ऑफ दिस ईयर, तो पूरा 50 lakh का डिडक्शन इस साल लिया है, ठीक है? एक्सपेंडिचर ऑफ 65 lakh वॉज कैपिटलाइज्ड, डिडक्शन पिछले साल नहीं मिलेगा क्योंकि पिछले साल शुरू नहीं हुआ था। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन है, पहले तो नॉर्मल आप इनकम कैलकुलेट कर लो। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3A, पहले तो नॉर्मली इनकम कैलकुलेट कर लो। दो चीजें आपको दी है, प्रॉफिट ऑफ SEZ यूनिट, ₹36 lakhs माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं अब टाइम के हिसाब से, पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में लिखा है क्योंकि अभी मेरी इच्छा है कि पूरा क्लास खत्म होते होते अपने चारों क्वेश्चन डिस्कस हो जाए एटलीस्ट इनकम टैक्स में।
NAA में पहले तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 36 लाख इनटू एक्सपोर्ट सेल अपॉन टोटल सेल, याद है क्या? तो 75 अपॉन 25 मत कर देना, 75 अपॉन 100, टोटल सेल 100 हो गया ना, दिख रहा है क्या? इनटू 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज 75% ऑफ 36 लाख एंड उसका 50% बिकॉज इट इज अ सिक्स्थ ईयर कितना हो रहा है बोलो 13,50,000 इतना डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10AA। तो ये वाले एसईजेड यूनिट का इनकम टैक्सेबल हो गया 22,50,000। फिर दूसरा कौन सा इनकम है? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वाले बिजनेस का इनकम है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बिफोर डिडक्शन? बहुत प्लेन क्वेश्चन है, 90 लाख का प्रॉफिट है हॉस्पिटल में से। अब उसमें से अगेन मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, लैंड की कॉस्ट को छोड़ के बिल्डिंग का 50 लाख बचा बेटा, ये भी मिल जाएगा। सो नेट इनकम हो गया इसका 40 लाख। तो आपका नॉर्मली कितना इनकम हो रहा है? नॉर्मल टोटल इनकम 62,50,000 टोटल इनकम एज पर रेगुलर प्रोविजंस, टोटल इनकम एज पर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब इस पे टैक्स निकालना है। मिस्टर भगत 50 इयर्स की एज दिए और कोई इनकम नहीं, आप देख लीजिए, दैट्स इट। तो इस पे टैक्स निकालना है, रेगुलर प्रोविजन, सरचार्ज भी लगेगा, ध्यान रखना। निकालो बेटा 10 लाख तक 1,12,500, अगले 52,50,000 पे 30% उसको ऐड कर दो बिफोर सरचार्ज, नहीं सरचार्ज के पहले का बताओ, टैक्स 16,87,500 इसमें लगेगा सरचार्ज, इग्नोर रिलीफ बोला है तो टेंशन नहीं लेना है। सरचार्ज कितना परसेंट लगेगा? 10%, क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है। बोलो ऐड करने के बाद बता रहे हो, अच्छा 10% तो मैं भी लिख सकता हूं ना, 168,750 कितना हो गया, 18,56,250 ऐड करके 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये आ जाएगा टैक्स एज पर रेगुलर प्रोविजन। ऐड करने के बाद बता दीजिए कितना आ रहा है, 19,30,500 ये आ गया अपना टैक्स एज पर रेगुलर प्रोविजन। ये बेसिक समझ गया, थोड़ा सा अच्छे से लिखना है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे एज पर द AMT प्रोविजन, एडजस्टेड टोटल इनकम एज पर AMT प्रोविजन। उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये दोनों जो डिडक्शन मिले उसको एड बैक कर देंगे। तो 62,50,000 प्लस 13.5 प्लस 50 लाख, बट ये जो 50 लाख को एड बैक किया बिल्डिंग का है, इस पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना, तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा माइनस, कितना रहता है बिल्डिंग पे 10% माइनस 5 लाख। ये समझा क्या आपको? इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, अभी मैंने सिर्फ ऐसा कैलकुलेशन लिख दिया वर्किंग के हिसाब से। 62.5 लाख प्लस 13.5 प्लस 50 लाख माइनस डेप्रिसिएशन विच वुड हैव बीन अदरवाइज अवेलेबल ऑन दैट बिल्डिंग, ये सेम क्वेश्चन अपने इसमें था, कितना हो गया बताओ, 75 प्लस 50 माइनस 5 120 21, अच्छा ये 76 है, 1,21,00,000। ऑल राइट, अब सरचार्ज का रेट भी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। वैसे तो अभी पहले तो आपको टैक्स एज पर AMT प्रोविजन निकालना है ना, टैक्स एज पर AMT प्रोविजन। थैंकफुली उन लोगों ने ही सेक्शन नंबर दे दिया है, अंडर सेक्शन 115JC लिख देने का, बढ़िया JC, तू JC है मुझे अच्छी लगती है। तो बताइए एट द रेट ऑफ 18.5%, बोलो कितना इस फिगर का, 18.5%, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रेट 15 हो गया था, इंडिविजुअल के लिए इतना ही, बोलो 22,00,000 प्लस
सरचार्ज, सरचार्ज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 15%, 3,35,775, ये आपको टैक्स मिल रहा है, बोलो कितना हुआ, 25,74,275 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड करके बता दो कितना आ रहा है, 26,246, ओके कैन बी राउंडेड ऑफ टू 250, और ये था 19,30,500, इसका मतलब पे करना पड़ेगा, टैक्स लाइबिलिटी विल बी एज पर द एएमटी प्रोविजन एंड देयरफॉर एएमटी क्रेडिट भी मिलेगा, एएमटी क्रेडिट जिसका भी सेक्शन नंबर दिया है 115JEE, कितना मिल जाएगा डिफरेंस के बराबर, 26,77,250 - 19,30,500, इतना एएमटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 7,46,746, मतलब 750, क्योंकि अपने राउंड ऑफ कर दिया उसको टैक्स को नियरेस्ट टेंस पे, समझ रहे क्या, ये क्रेडिट का फ्यूचर ईयर में यूज कर सकता है वो, 15 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, है ना, 15 ईयर्स तक क्रेडिट का यूज कहां कर सकता है, जब ये वाला टैक्स, ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम एएमटी वाला टैक्स कम आ रहा है एंड ये वाला टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस पोर्शन को पे करने के लिए क्रेडिट का यूज कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन वॉज सिंपल बट स्टूडेंट शुड हैव स्टडीड, अब कुछ स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी करते हैं यार एएमटी के चांसेस कम है छोड़ देते हैं, बट सीधा 7 मार्क का क्वेश्चन आ गया, एंड उतना डिफिकल्ट आइटम नहीं है एक्चुअली, है क्या, 2-3 डिडक्शंस लेना है और बाद में उसको रिवर्स करना है, रिवर्स करते वक्त ये एक आइटम का ध्यान रखना है, मे बी ये किसी ने मिस किया होगा, हो सकता है, इज दैट ओके, फिर सरचार्ज पे भी ध्यान रखना है, कहां 10% कहां 15%, वो एक छोटी सी बात, चलिए, सो आई होप दिस वन इज क्लियर, देन मिस्टर रोहन रिटायर्ड फ्रॉम मेसर्स QRST लिमिटेड अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, क्या पूछा है आपको, फाइनली आपको पूछा है टैक्सेबल सैलरी, सैलरी हेड पे स्पेशल क्वेश्चन आ गया 7 मार्क का, जो अपन लोग चैप्टर इतना डिटेल में पढ़ते रहते, ओके असेसमेंट ईयर 23-24 अज्यूमिंग दैट ही नाइदर क्लेम्स एनी रिलीफ नॉर ही डज ऑप्ट टू पे एनी टैक्स अंडर 89 अंडर 115BAC, मतलब न्यू स्कीम में नहीं है ना रिलीफ मिल रहा है, तो मतलब बिल्कुल सीधा सीधा कंप्यूटेशन करने हैं, देखो 31 मार्च को छोड़ा जॉब, मतलब कि पूरे साल भर की रेगुलर सैलरी मिलेगी पूरे 12 महीनों की, 28 ईयर एंड 3 मंथ, तो ये फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेशन विल बी कंसीडर्ड एज 28 ईयर, बराबर है, पार्ट ग्रेटर देन 6 रहता तो हम लोग सोचते थे, कभी कभी करते कभी नहीं, ही रिसीव द फॉलोइंग सम्स और गिफ्ट्स ऑन हिज रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन ऐसे किया है कि नहीं किया अपने बताओ, है ना, सॉल्व में भी है अनसॉल्व क्लास में भी किया है, ग्रेच्युटी ऑफ 7,50,000, ही वॉज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो इसका फॉर्मूला है 15/26 वाला, कर लेते अपन, लीव एनकैशमेंट है ऑफ 210 days, लीव बैलेंस इन हिज अकाउंट, ही वॉज क्रेडिटेड विथ 30 days लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर एंड 30 ही मैक्सिमम अलाउड है, तो ये तो अच्छी बात है, 210 दिन के हिसाब से इतना हुआ है, हमको सैलरी के हिसाब से इक्विवेलेंट अमाउंट निकालना पड़ेगा, एवरेज सैलरी के हिसाब से, क्रॉकरी सेट मिला है एम्प्लॉयर से एट द फेयरवेल पार्टी 4,500 का ही मिला है, 5,000 से कम की गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो एग्जेम्प्ट रहते हैं एम्प्लॉयर से, ठीक है, क्रॉकरी सेट मतलब बोले अब तुम्हारा हो गया रिटायरमेंट हो गया अब खाना बनाओ खाओ कुकिंग करो, ही ड्र्यू अ बेसिक सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ अलॉन्ग विथ 50% ऑफ बेसिक सैलरी एज DA नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर द पीरियड April 2022 to March 2023, मतलब साल भर 12 महीनों से इतनी सैलरी थी 25,000 और 12,500 DA था 50% उसका, बराबर, आगे फर्दर ड्यूरिंग द ईयर इज एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम अ मोटर कार ऑफ 1800 CC, बिग कार 1600 CC से ऊपर, विच वॉज यूज बाय हिम एंड हिज फैमिली सोलली फॉर पर्सनल, बहुत कम पूछते ऐसा, जनरली मिक्स्ड पूछते पर्सनल प्लस ऑफिशियल, सोलली पर्सनल रहा तो बहुत ही आसान हो जाता है फिर तो, हाँ फिर तो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो ले लेते हैं, और ओल्ड कार है तो 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड रिपेयर्स वर मेट बाय रोहन इटसेल्फ, मतलब सिर्फ कार प्रोवाइड किया है, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई, कार वॉज परचेज बाय द एम्प्लॉयर ऑन 1st अप्रैल 2021,
एक साल पहले खरीदा था एम्प्लॉयर ने 8 लाख के लिए, आप उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, बट अपने लिए वो कोई मैटर नहीं करता है। अपने को ये साल भर अगर उसने कार यूज किया है तो सिंपली इसका 10% पर एनम 80,000 परक्विजिट में ऐड कर देना है सैलरी में, समझ रहे क्या? फर्दर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए की सैलरी से, तो ड्राइवर की भी पूरी सैलरी ऐड हो जाएगी। यहां डीम्ड रेट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि होली पर्सनल यूज है, वो मैंने आपको अलग पेज पे चार्ट दिया था, ऑफिशियल प्लस पर्सनल था। तो दिस इज एन इजी थिंग एक्चुअली, स्टूडेंट शुड बी हैप्पी, बट वो ही ना पढ़ा पढ़ के क्लैरिटी रहना चाहिए। टैक्स के पेपर में कंफ्यूजन बहुत होते हैं, लगता है ऐसा भी होना चाहिए वैसा भी होना चाहिए। अपॉन रिटायरमेंट ही गेव द कार बैक टू द एम्प्लॉयर, मतलब ये कोई कार ट्रांसफर नहीं किया था एम्प्लॉयर ने, यूज के लिए दिया था और क्लियर कर दिया। वेरी गुड, कितने अच्छे लोग हैं। तो बस, तो कंप्यूटेशन शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, एकदम डिटेल में डब्बा वब्बा बना के नहीं। बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 3B इंटू 12 कितना हो जाता है बोलो? 3 लाख। एंड जितना भी करोगे आखिरी में वो 50,000 मत भूल जाना, स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा, डियरनेस अलाउंस, भले नॉट फॉर्मिंग पार्ट है बट इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, है ना, 50% ऑफ ए अबव 1,50,000 बेसिक सैलरी का 50%। फिर ये आइटम्स हैं, ग्रेचुटी मिल रही है, लीव एनकैशमेंट मिल रही है, और मोटर कार वाला परक्विजिट मिल रहा है। गिफ्ट तो आपको पता है कि गिफ्ट अमाउंट इज लेस देन 5,000 है तो फिर इट इज नॉट टैक्सेबल। ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट और मोटर कार, ये तीन चीजें करना है अपने को कैलकुलेट। मोटर कार होली पर्सनल पर्पस लिए है तो 8 लाख का 10% प्लस ड्राइवर की सैलरी, नोट बना के लिए भी लिख सकते हैं, 10,000 इंटू 12 80,000 प्लस 1,20 2 लाख, है कि नहीं सिंपल? बस इससे अपने को मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी, इतना कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी। कितना आ गया, आने का है ना? अभी ऊपर के दो आइटम बचे हैं, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000, इससे मिल जाएगा टैक्सेबल सैलरी। पेपर देख देख के कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, ये पेपर तो अच्छा आ गया, अब उल्टा आपको और टेंशन, यार इसका मतलब अपना वाला टफ आएगा। नहीं, पिछले साल दोनों टफ आए थे, इस साल एक तो इजी आ चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगला वाला इजी आएगा? इट्स इंडिपेंडेंट, हाँ 50%। ऐसे पहले हेड्स आ गया तो अगली बार हेड्स आने के चांसेस उतने ही रहते हैं, ठीक है? लेकिन चलो लेट अस अज्यूम कि कुछ बायस होगा इन लोगों का, तो हो सकता है ओल्ड कोर्स का आखिरी एग्जाम है तो इजी दे दें कि जो बच्चे अटके उनको पास कर देते हैं, काय को परेशान करना। हो सकता है आप भी उसमें बहती गंगा में निकल जाओ, है ना? लेकिन अपने को वैसा नहीं करना है ना, अपने को अपने दम पे निकलना है, किसी और की कृपा से क्यों निकलना है। चलो बेटा ग्रेचुटी का बताओ, ग्रेचुटी का वर्किंग नोट बताओ। ग्रेचुटी कितना मिला बोलो? 7,50,000 ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010, याद है क्या सेक्शन नंबर? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 लीस्ट ऑफ ए अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला? 7,50,000। बी फिक्स्ड लिमिट 20 लाख, ये भी याद है आपको? ये तो दोनों केस में सेम है। सी फॉर्मूला 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस 15/26। अब सैलरी, मंथली सैलरी 25,000 है, आप 25 लोग हैं कि 37,500 लोग हैं? हाँ 37,500। इवन दो लिखा है कि डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट, बट क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वाला केस है तो उसको लेना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताई हुई है, ऑलवेज टू बी टेकन इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स 28 इयर्स। बोलो ये कितना होता है?
6,05,769। ये समझा क्या आपको? इवन दो डीए डज नॉट फॉर्म पार्ट लिखा है, बट ग्रेच्युटी पर्पसली उसको लेते हैं बिकॉज इट्स फॉर्मिंग, ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा 6,05,769। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है बताइए ग्रेच्युटी का? 1,44,231, इतना अमाउंट टैक्सेबल होगा 144,231, ये यहां पर लिख रहा हूं मैं। आई होप इट इज क्लियर। एंड देन लीव एनकैशमेंट के बारे में, अगेन अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट करेंगे, मैं सीधा एग्जेम्प्ट का लिखना शुरू कर रहा हूं। एग्जेम्प्ट में लीस्ट ऑफ द फोर होता है, अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला 3,25,000, फिक्स्ड लिमिट एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 10(10AA) कितनी फिक्स लिमिट है यहां पर 3 लाख, जिसको अगले साल से बढ़ाने वाले हैं अगले असेसमेंट ईयर्स। तीसरा 10 times द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, यहां पर तो 12 महीने से सेम सैलरी है, यहां पर सैलरी में डीए नहीं लेंगे 10 into 25,000 बेसिक सैलरी लेंगे सिर्फ, और इसमें ऑब्वियसली वो मोटर कार वगैरह का परक्विजिट तो नहीं लेते हैं 2,50,000। और डी लीव बैलेंस कन्वर्टेड इनटू रुपीस, बराबर लीव बैलेंस कितना है इनका लिखा है 210 दिन, जो कि सही रेट से निकाला है 210 days इंटू 25,000 मंथली सैलरी है तो डिवाइड बाय 30, 7 महीने हो गया बेसिकली, 25,000 × 7 कितना होता है 1,75,000। तो जो आपको लीव एनकैशमेंट मिला 3,25,000, उसमें से 175 एग्जेम्प्ट रहेगा बेटा लीस्ट ऑफ द फोर आइटम, और सैलरी मैंने से 25,000 पकड़ा है, 37,500 नहीं पकड़ा बिकॉज फॉर दिस पर्पस डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट लिखा है। तो कितना टैक्सेबल हो गया 1,50,000। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? 1,50,000 बस। अब बता दीजिए आगे का आप कर लोगे, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा नेट टैक्सेबल आ जाएगा, बता दो फिगर कितना कितना आ रहा है ग्रॉस 9,44,231, 8,94,231। जमा के सैलरी का डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, इजी था, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मोटर कार मिक्स करके पूछा। ओके दैट्स इट। देन ये क्वेश्चन से इसको डिस्कस करके हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये क्लबिंग वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चमन एंड देयर माइनर चिल्ड्रन। ऐसे भी क्वेश्चन अपन लोगों ने देखा हुआ है, कहां पर देखा हुआ है ये मतलब हस्बैंड वाइफ एंड बच्चों के डेटा दिया रहता है। ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक मुझे दिखी कि चमन मिसेस चमन ने 1 April 2023 को गिफ्ट किया, जबकि अपना तो क्वेश्चन असेसमेंट ईयर 23-24 का है, तो पूरी इनकम तो 22-23 की होना चाहिए, तो अगर ये डेट सही है तो फिर ये गिफ्ट का कुछ ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, और ये इनकम भी उन्होंने अगले इनकम में लॉस जो अगले साल ही हुआ होगा, इस साल से क्या लेना देना। एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा अगर डेट पे ध्यान गया होगा तो, अगर 2022 ही पकड़ के किया है तो मेरे हिसाब से आईसीए का प्रिंटिंग मिस्टेक है, दे शुड हैव कंसीडर्ड इट 2022, तो फिर इसका कुछ यूज होता था, अदरवाइज 2023 ही है, अगर मान लो ये सही है आईसीआई तो फिर इसका कुछ नहीं करना है, डू नथिंग इन दिस ईयर, इग्नोर द पॉइंट। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट अदर्स। 50 इयर्स का है चम वाइफ मिसेस चमन, 48 इयर्स की है, ठीक है, कंप्यूटेड है, देखो ऑल दी अमाउंट्स आर कंप्यूटेड लिखा हुआ है, तो कहीं आपको कुछ सैलरी वैलरी दिया है तो उसमें फर्दर 50,000 माइनस अब मत कर लेना, मिसेस चमन सैलरी इनकम कंप्यूटेड है। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? मिसेस चमन के हाथ में, मिस्टर चमन है क्या, मिस्टर चमन के हाथ में। देन मिसेस चमन इनकम फ्रॉम कथक परफॉर्मेंसेज, क्लासिकल डांस एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी में,
बड़ी इनकम टैक्स पढ़ रहे अपन। 2,50,000, शी इज अ प्रोफेशनल कथक डांसर एंड परस्यूइंग डांस एज हर प्रोफेशन। टैक्सेबल किसके हाथ में? मिसेस चमन के हाथ में। मिसेस चमन अर्न्ड एलटीसीजी ऑफ 5,50,000 फ्रॉम हर सेल ऑफ शेयर्स। मिसेस चमन के हाथ में। क्या क्वेश्चन बनाया? मिसेस चमन ने गिफ्ट किया 2,00,000 का आउट ऑफ हर त्रिधन, मतलब उनका ही पैसा है। त्रिधन मतलब अपने बुक में भी एक कॉन्सेप्ट कि जब उनकी जो पिन मनी को सेविंग करते करते वो उनका पैसा हो जाता है। ऑन 1 अप्रैल फिर मिस्टर चमन ने इन्वेस्ट किया और इतना बड़ा, ये भी मुझे समझ नहीं, 2,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके 5,10,000 का कैपिटल लॉस हो गया। मतलब पहले बहुत गेन कमाया होगा फिर बहुत नुकसान होगा, और ये सब हुआ भी कभी फ्यूचर में हुआ है ना, अ डाइव इनटू द फ्यूचर। तो ठीक है भाई, ऐसा देने का नहीं गिफ्ट, मिसेस चमन जो भी बनेगी आगे जाके। तो इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे एज पर द डेट, बट मान लो ये 2022 रहता था तो ये 5,10,000 का लॉस मिसेस चमन को अवेलेबल हो जाता था। ओके, शी कुड हैव सेट इट ऑफ अगेंस्ट 5,50,000। इन्होंने शायद ये 20,00,000 लिखना चाहिए था, और एकदम ये दिस इज लिटिल एब्सर्ड ना, मतलब ये कौन करता है भाई 2,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके 5,10,000 का लॉस करवा रहे हैं। वैसा हो गया। मिस नैनाथ देयर माइनर डॉटर, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब कुछ अभी तक तो कुछ क्लबिंग हुई नहीं, ये 2023 का मान लोगे तो ये भी क्लब नहीं हो रहा है, ये है ही नहीं इस साल का, मैं तो हुई नहीं इस दुनिया की इस साल की। मिस नैना देयर माइनर डॉटर अर्न 3,56,000 बाय परफॉर्मिंग इन वेरियस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड ऑनलाइन। अच्छी बात है, स्किल से कमाया, क्लब होगा क्या? नहीं, ये मिस नैना के हाथ में टैक्स होगा। बट शी केप्ट दैट अमाउंट इन सेविंग्स बैंक अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, एंड अर्न इंटरेस्ट ऑफ 15,000। क्लब होगा किसके हाथ में? मिस्टर चमन के हाथ में, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है। बट क्लब होते होते 64(1)(a) के हिसाब से क्लब होगा 15,000 - 1,500, 13,500। बट आखिरी में सेक्शन 80 TTA का डिडक्शन भी मिलेगा मिस्टर चमन को, है ना, डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80 TTA का, कितना रुपए तक का? 10,000। समझ रहे क्या? मास्टर नीलब देर माइनर सन अर्न 35,000 फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विच वॉज मेड आउट ऑफ द कैश ही रिसीव्ड ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। नॉर्मली क्लब होता है, बट लिखा है सफर्स फ्रॉम डिसेबिलिटी, तो नो क्लबिंग, इट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ मास्टर नीलम। डिसेबिलिटी 75% है तो इट्स ओके, 40% से ज्यादा होना चाहिए। सीवियर डिसेबिलिटी 80 के ऊपर होती है, 40 से 80 भी डिसेबिलिटी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकम का सर 75% क्लब नहीं करते बाकी करते, ऐसा नहीं होता है। डिसेबिलिटी इज देयर मींस इट विल नॉट बी क्लब्ड, दैट्स इट। मास्टर नीलम के हाथ में क्लब हो जाएगा, बस इनकम निकालना है माइनर चिल्ड्रन का। तो मेरे ख्याल से बच्चे ये भूले होंगे, हो सकता है ये भूले होंगे, ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन प्लेन है। कैसा लगा आपको? ये जिसने भी पेपर का फोटो भेजा है उसने ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया है, उसने 1, 2, 3 में निपटा दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4C के तो 5 ऐसे ही कर लो, फिर बी पे आ जाते हैं। टाइम लिमिट अंडर विच अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड आल्सो व्हेन इट कैन नॉट बी फर्निश्ड, थियरी का वाला पार्ट है। अपडेटेड रिटर्न को अप टू 2 असेसमेंट ईयर्स फर्निश कर सकते हैं, है ना, तो +1 या +2। अब उसमें एडिशनल टैक्स कितना देना है लिखना है तो लिख सकते हो। अगर आप विद इन 1 ईयर कर रहे हो 12 मंथ्स के अंदर तो 25%, और विद इन 2 ईयर्स कर रहे हो तो 50%। एक छोटा सा टेबल बना दिया। कब कब फर्निश नहीं कर सकते? जब आपने आपका लॉस बढ़ाने का काम कर रहे हो, या इनकम कम हो रही है, या नोटिस के अगेंस्ट में आपने वो फर्निश किया था, वो जो सिनेरियोस है थियरी में आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट। एंड ये भी हम लोग ने अमेंडमेंट्स में बहुत अच्छे से देखा हुआ है अपन, लेकिन तो रेगुलर बैच में देखा है, ये वाली बैच में। रिटर्न ऑफ इनकम, अपडेटेड रिटर्न, है ना, ये वाले सिचुएशंस में एप्लीकेबल नहीं है। कब कब फर्निश नहीं कर सकते, है ना, अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फर्निश कर दिया या प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ये दोनों ही लिख डालने का। नॉन एप्लीकेबिलिटी भी लिख देना, सर्कमस्टेंसेस व्हेन इट कैन नॉट बी फर्निश्ड भी लिख देना, वैसे ये पूछे। और दूसरा, पर्सन अदर देन अ कंपनी और फर्म हु इज अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, उसको कभी कभी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना पड़ता है। ये तो November 22 का अमेंडमेंट है। कब कब? जब
हाँ, जब इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कर रहा है कहां पर, करंट अकाउंट में मोर देन 1 करोड़, सेविंग अकाउंट में मोर देन 50 था कि 25 था, 50 था, फिर टीडीएस टीसीएस 25,000। झगड़ा नहीं करना है, आराम से झगड़ा नहीं करना है, शांति से कभी भी देख सकते हैं। बिजनेस कर रहे तो टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा था, प्रोफेशन कर रहे तो 10 लाख था, जो जो पूरे आइटम्स थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख के ऊपर, फॉरेन ट्रेवल 2 लाख के ऊपर, तो उसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हो। और वैसे प्रिस्क्राइब्ड वाला पूछा है, मतलब जो बात के चाह रहे ना डब्बे में जो दिए थे, जो अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं थे बुक में थे, वो वाले आपको लिखना है। अब बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो। आपको पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर रे अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सो दैट ही गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट पे टैक्स अंडर 115 बीएससी। मतलब पूरे एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट से 115 बीएससी को इग्नोर कर दिया उन्होंने, हर क्वेश्चन में इग्नोर किया है कि नहीं? लेकिन अब अगले साल से बहुत रिलेवेंट बन जाएगा वो, अगले साल से बोलना पड़ेगा ओल्ड स्कीम में ऑप्ट किया तो ऐसा करो। चलिए बताइए, डिडक्शंस वगैरह बताना है आपको। हाउसिंग लोन ऑफ 36 लाख टेकन ऑन 15 मार्च 2022 फॉर द परचेस ऑफ अ हाउस टू बी यूज्ड फॉर सेल्फ रेसिडेंस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹47 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 42 लाख एट द टाइम ऑफ परचेस, अमाउंट ऑफ रिपेमेंट वॉज प्रिंसिपल का 1.25, इंटरेस्ट का 365, दिस वॉज द फर्स्ट एंड ओनली रेसिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय मिस्टर रे। एक डिडक्शन मिलेगा 80 सी में 1,25,000 का प्रिंसिपल पोर्शन का, एक डिडक्शन मिलेगा 24 बी में, रेसिडेंशियल हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए है, कितना मिल जाएगा अप टू ₹2 लाख, क्योंकि आपको लिखा है लोन अभी अभी लिया है ना, परचेस के लिया है, परचेस भी हो गया है तो बिल्कुल मिल जाएगा। तीसरा डिडक्शन मिलेगा 80EE, डबल ई जो है वो 16-17 ईयर में सैंक्शन हुआ रहता है तो है, या 15-16-17, और डबल ई ए जो है वो अप टू 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक सैंक्शन हो जाना चाहिए। तो सैंक्शन हो चुका है लोन, आपने 15 मार्च 2022 को सैंक्शन करवा लिया था तब ले लिया था, अब उसमें कितना लिमिट है 1,45,00,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ 45 लाख। ये मुझे कल ही एक स्टूडेंट है पिछली बैच का, उसने कल सुबह आपकी बैच के टाइम मैसेज किया था कि सर मुझे डाउट है, और उसने मुझे बाद में फोन किया, ओके मैं जब ड्राइव बैक कर रहा था तब उससे बात किया, और उससे पूछा कि सर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से कम है और अगर हाउस का वैल्यू 45 लाख से ज्यादा है तो वो डिडक्शन मिलेगा क्या? तो अगर हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन करें तो वहां पर सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखा हुआ है। देखो अपना, मैं सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं आपकी क्लास का, कहां गए बेटा अपन, ये चैप्टर नंबर 12 नहीं 11 में था ना डिडक्शंस, यहां पर अगर हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन देखें ये डबल ई ए में, तो सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोला था 45 लाख के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि मिल जाएगा, उसने ही पूछा था, मैंने बोला हाँ मिल जाएगा ऐसे केस में, ओके बिकॉज आई वॉज क्लियर अबाउट द लॉ। अब जो स्टूडेंट को सिर्फ 45 की वैल्यू याद होगी वो तो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यहां पर वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल पूछते थे और यहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है अच्छा है उसको डाउट भी आ गया, और अच्छा है पूछ भी लिया और वो उसी दिन एग्जाम में आ गया, ओके नाउ ही विल ही शुड हैव ही मस्ट हैव डन इट करेक्टली होपफुली। तो 1.5 लाख का डिडक्शन यहां पर मिल जाता है, यहां पर लिमिट देखो 1.5 लाख लिखा हुआ है, एंड एसएससी शुड नॉट ओन एनी अदर हाउस, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इतना इतना डिडक्शन 1.5 सब्जेक्ट टू ये टोटल 365 है तो ये 350 तक के मिल गया, ये समझे क्या आप तीनों? आगे व्हीकल लोन 16 लाख का लिया अक्टूबर 2021 में लिया था, ये तो व्हीकल लोन तो आप 31 मार्च 2023 तक ले सकते थे, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 व्हीकल लोन में आपको एक साल एक्स्ट्रा था, याद है क्या? पहले से ही था ये 80EB, और इसमें 80EB के हिसाब से, अच्छा मैंने आपको बताया था पर्सनल यूज के लिए लिया तो ही ये सेक्शन अप्लाई होगा, वरना तो बिजनेस हेड में आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लोगे, तो पर्सनल यूज के लिए लिया है, प्रिंसिपल का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट पोर्शन का मिलेगा अप टू ₹1,50,000, इस साल आपने इतना पे किया, सेक्शन 80EE। देन बिसाइड दिस लोन ही हैज आल्सो पेड 15,000 टू अ पॉलिटिकल पार्टी एज कंट्रीब्यूशन,
सेक्शन 80 जीजीबी एंड जीजीसी। जीजीबी इज फॉर इंडियन कंपनी, जीजीसी इज फॉर अदर्स, बट उसमें लिखा है नॉन कैश डोनेशन अलाउड है, मतलब कैश डोनेशन नॉट अलाउड है, ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। सो यहां पर क्वेश्चन में लिखा है एंटायर अमाउंट वॉज पेड इन कैश, देयरफॉर नॉट अलाउड, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग डूइंग, बस डिडक्शन पूछ रहे। सो प्लेन क्वेश्चन था वैसे तो। तो आई थिंक अगर आप क्वेश्चन 4 भी करते थे तो उतना डिफिकल्ट नहीं जाता था। बोलो अब पूरा अपन ने कर लिया, क्या लगता है 70 अपन एक 42 मार्क्स का पेपर किया, एक्चुअली 56 मार्क्स का किया है, एक्चुअली 60 मार्क्स का किया है, ये 4 मार्क भी तो डबल डबल है ना। तो अगर ये 60 मार्क्स का पूरा ही आपको सॉल्व करना पड़ता था विदाउट एनी ऑप्शंस, तो 60 में से कितना मिलता था, ये 60 में से 40 के आसपास अभी के लेवल पे मिल जाता था, सच्ची बताऊं 35-40 ठीक है। लेकिन अगर अपन मान लो ऑप्शन के साथ साथ में 42 मार्क का ही सॉल्व कर रहे थे, तो ये 42 में से कितना ला लेते थे आप, 25-30 पढ़ के जाओगे तो थोड़े और बढ़ेंगे है ना। तो अगर यही पर इतने सारे मिल गए तो फिर तो एमसीक्यूज भी है जो भी प्लेन थे, जीएसटी भी बचा है जिसमें हम लोग बहुत सारे जो ऑलरेडी अभी तक क्लास में हो गए उसके बेसिस पे कर सकते हैं। वी विल डिस्कस जीएसटी आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन वी कंप्लीट फ्यू मोर चैप्टर्स ऑफ जीएसटी, तो बेटर रहेगा एक साथ कर लेंगे अपन, चलेगा। और इनकम टैक्स का तो ऐसा है, बोलिए मजा है आपको। हाँ एमसीक्यू का फुल पेपर मिलता है तो मुझे भेजना, मेरे पास में पार्ट पार्ट में अवेलेबल है, जो अगेन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। चलिए थैंक यू।